अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज अहमद रजा खान फ्रॉम थवानीज स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट प्रैक्टिस टू पास फॉर एसीसीए एफए 2 मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। दिस इज आवर फर्स्ट डे और इंशाल्लाह हम इसमें अपने कोर एरियाज को कवर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वेबिनार। Okay, so this is my concise profile. Ahmed Raza Khan, ACMA, alhamdulillah, I am affiliated with Thawani School of Accountancy, Thawani Z Academy, Easy Study, and ICMA Pakistan. I'm teaching financial accounting from several years, and this is my contact number. Okay, so सबसे पहले हम अपने session के agenda को समझ लेते हैं कि हमने बेसिकली व्हाई वी आर कंडक्टिंग दिस टाइप ऑफ वेबिनार्स फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ एसीसीए। सो एग्जैक्टली द ग्रेट लाइंस आर हियर, टुमारो बेटर इज वन ड्यूरिंग टुडेज प्रैक्टिस। दिस इज अ चांस फॉर ऑल स्टूडेंट्स हु आर लैकिंग इन प्रैक्टिसिंग मटीरियल, हु आर लैकिंग इन कॉन्सेप्ट्स। तो सर ये हमारा वो चांस होगा, ये प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू इंशाल्लाह हम अपने कॉन्सेप्ट्स को मजीद जो है वो बेहतर कर रहे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अब इस सेशन का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें आपको वो राइट डायरेक्शन दिखानी है सर, वो डायरेक्शन जिसके थ्रू हम अपने इस एफए 2 के एग्जाम को इफेक्टिवली पास कर सकें। ओके, तो सर तीन चार पॉइंट्स अपने जहन में लाजमी रखिए कि जिसके बाद इंशाल्लाह हम अपने इस पेपर को इजीली पास कर सकेंगे। सबसे पहले आपके तमाम कोर कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। लाइक अगर मैं बात करूं अपने मेन टॉपिक्स की, उसमें आप समझें कि डेप्रिसिएशन हो गया, एक्रूअल्स एंड प्री पेमेंट्स हो गया, इन्वेंट्री हो गया, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हो गए, ये वो टॉपिक्स हैं जिससे एग्जामिनर एफए 2 को ज्यादा एग्जामिन कर रहा होता है। तो सर हमारा फोकस भी आज के दिन, हमारे जो फर्स्ट डे है इसके अंदर हमारा फोकस भी यही होगा कि हम इन कोर टॉपिक्स को पहले कवर करें और इसकी प्रैक्टिस भी करें और कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करें। ओके, हाउ टू पास एफए 2 सर, ये कुछ की टर्म्स मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए चीजों को। सबसे पहले याद रखिए कि एग्जामिनर अब थ्योरेटिकल मटेरियल ज्यादा पूछ रहे हैं हमारे एग्जाम्स में, जैसे कि हम लास्ट पास्ट ट्रेंड देखते हुए आ रहे हैं। तो सर हमने जो है वो बुक की रीडिंग लाजमी करनी है। हम क्या प्लान यूज करें, बीबीपी यूज करें, लेकिन हमें बुक की रीडिंग लाजमी करनी है यहाँ पर। इसके बाद हमें अपने जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उसको लाजमी जैसी बातें रिवाइज करेंगे बिफोर स्टार्टिंग प्रैक्टिस। हर टॉपिक के कुछ की आइटम्स, कुछ की पॉइंट्स होंगे जिसको आपने जहन में रखना है बिफोर एनी टॉपिक स्टार्ट एनी टॉपिक। ठीक है, कोई भी टॉपिक उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने से पहले उसके कोर कॉन्सेप्ट्स और उसके कुछ कोर पॉइंट्स जो है आपने जो है वो मेमोराइज करना है, देन यू कैन स्टार्ट योर प्रैक्टिस। इसी तरीके से हमें एसीसीए डिफरेंट रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा होता है अपने एग्जाम को पास करने के लिए। लाइक हमें जो है वो फाइनल एग्जाम में बैठने से पहले हमें कुछ जो है वो मॉक्स देने होते हैं। तो सर आपने लाजमी एफए 2 के एग्जाम में बैठने से पहले अगर मैं बात करूं तो आपने लाजमी 3 मॉक्स को जो है वो लाजमी अटेम्प्ट करना है, देन यू कैन सिट इन योर एग्जाम। और जाहिर सी बात है हमारे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए डिफरेंट प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म एसीसी के या रिसोर्स पे माय एसीसी पे जाके आप यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो अच्छा नीचे मेरा स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, इस नंबर को आप जो है वो सेव कर सकते हैं और इसके थ्रू आप अपनी क्यूरीज को भी पूछ सकते हैं। अगर फर्दर भी आपको क्यूरी कहीं भी कोई इशू हो किसी कॉन्सेप्ट में, किसी टॉपिक में, सो यू कैन आस्क फ्रीली। ओके ओके, थोड़ा सा हम गो थ्रू कर लेते हैं अपने सिलेबस को कि सर हमारे सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि देखें दिस इज अ प्रोफेशनल एग्जाम और प्रोफेशनल एग्जाम की खूबसूरती यही होती है कि एग्जामिनर हमें कहीं से भी एग्जामिन कर सकता है। तो चूंकि टाइम लिमिटेशंस है हमारे पास, यहाँ पर हम कोर एरियाज से बात कर रहे होंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक हमारी जो है वो एक गो थ्रू जरूर करें अपने सिलेबस को कि सिलेबस में बेसिकली क्या क्या शामिल है। ओके, तो सर की कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, ये थ्योरेटिकल पार्ट है हमारा। अच्छा, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की मेंटेनिंग,
देन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हम IS-1 के अंदर पढ़ रहे होते हैं, वो इंशाल्लाह Web3 के अंदर भी देख रहे होंगे। इसी के साथ प्रिंसिपल ऑफ एंड प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग है, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि जितने भी 5 हेड्स ऑफ अकाउंटिंग, ये हमारे क्लियर होने चाहिए। जैसे बात FA-1 की नॉलेज आप लेकर आ रहे हैं FA-2 के अंदर, इसी तरीके से बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री डे बुक्स की बात हो रही है सर। एंड इसी के तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमें इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के हवाले से देख रहे होते हैं सर। इसी के बाद फिर डिफरेंट तरह की रिकॉर्डिंग्स, ट्रांजेक्शन है, सेल्स की, परचेज की, कैश की ट्रांजेक्शन है, इन्वेंट्री का चैप्टर है हमारे, उसको IS-2 जिसके ऊपर डील हो रहा होगा पूरा, ठीक है। टेंजिबल नॉन करंट एसेट, अब देखिए ये हमारा बहुत ही कोर एरिया है, ये हमारा इंतहाई कोर एरिया है जो हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है। यस दिस इज दिस एरिया, द फर्स्ट वन इज इन्वेंट्री IS-2, टेंजिबल नॉन करंट एसेट एंड डेप्रिसिएशन IS-16 की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, ओके। ये हमारा IS-2 में डील हो रहा होगा इन्वेंट्री। Accruals and prepayments, most important part of our syllabus for FA2. Receivables, payables and provisions, right? IS-37. इसमें provisions deal हो रहे होंगे, ठीक है। इसके साथ आपने FA-1 के अंदर कंट्रोल अकाउंट्स पढ़े होंगे, रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट, पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट, वो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा यूज कर रहे होंगे हम। फर्दर करेक्शन ऑफ एरर्स, कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन, बैंक रिकंसिलिएशन, सर ये पार्ट आप जानते हैं कि आपने FA-1 में कवर किया होगा। सर देन पार्टनरशिप हमारा पार्ट यहाँ मौजूद है, और सर ये हमने एक सर्सरी सी जो है वो एक अपने जो कोर्स आउटलाइन को थोड़ा सा हमने यहाँ पर गो थ्रू किया, और जिससे हमने गो थ्रू करने के बाद कुछ मेन चार पांच टॉपिक्स हमें समझ में आए सर। वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट डेप्रिसिएशन IS-16 को हम बात कर लेते हैं, देन इन्वेंट्री, देन हमारे पास एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट का टॉपिक मौजूद है, देन हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिसके अंदर IS-37 वगैरह शामिल है, IS-16 जो हम पढ़ेंगे डेफिनेशन की सूरत में। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होंगे और पार्टनरशिप होगा। एक्सटेंडेड ट्रायल बैलेंस भी हमारा पार्ट है, लेकिन जाहिर सी बात है टाइम लिमिटेशंस की वजह से हम उसको जो है वो कुछ ऐसे टॉपिक्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं जो कोर टॉपिक्स हैं और आपका एग्जामिनर बहुत ज्यादा उससे क्वेश्चंस पूछ रहा होता है। मैं यहाँ पर दोबारा एक बात रिपीट कर दूं कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के साथ साथ प्रैक्टिकल मटेरियल यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने के साथ साथ आपके सर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को भी आपने यहाँ पर कवर करना है। एग्जामिनर आजकल जितने भी आप लास्ट एग्जाम में हमने स्टूडेंट से व्यूज लिए हैं, तो सर वो कह रहे हैं कि सर पेपर में थ्योरी बहुत ज्यादा पूछी जा रही है, और हम स्टूडेंट्स एज अ स्टूडेंट अगर देखें तो थ्योरी में बहुत लैक करते हैं, हम बुक को पढ़ते ही नहीं है। सर प्लीज बुक को रीड कीजिए, बुक की लाजमी रीडिंग कीजिए, चाहे आप कैप्लान यूज कर रहे हैं, बीबीबी यूज कर रहे हैं, बुक को लाजमी आपने जो है वो पढ़ना है ताकि जो है हमारा जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो कवर हो सके। सो नाउ लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टॉपिक वन एंड द फर्स्ट टॉपिक विल बी इंशाल्लाह डेप्रिसिएशन। स्टूडेंट बिफोर वी स्टार्ट डेप्रिसिएशन टॉपिक, जस्ट आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लेन सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक। द फर्स्ट वन इज डेप्रिसिएशन डील्स इन IS-16, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ओके। दिस इज अ पार्ट ऑफ IS-16। लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट द ओरिजिन ऑफ डेप्रिसिएशन, बेसिकली डेप्रिसिएशन कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, इसका कॉन्सेप्ट कैसे आया। देखिए अगर हम इसको बड़ा बेसिक लें तो हम मैचिंग प्रिंसिपल को जानते हैं। मैचिंग प्रिंसिपल हमसे कहता है कि अगर हम किसी भी चीज की बेनिफिट्स को रिकॉर्ड करते हैं तो हमें उसके एक्सपेंस को भी चार्ज करना पड़ेगा, और दूसरी बात वो क्या करता है कि सर रेवेन्यू और एक्सपेंसेस जिस पीरियड से पर्टेन करते हैं हमें उसको उसी पीरियड में चार्ज करना है। तो सर सबसे पहले यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन की टर्म की ओरिजिन समझते हैं। देखिए हम जानते हैं एसेट्स दो तरह के हमारे पास, ठीक है, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स जिनका फिजिकल फॉर्म मौजूद है, जिनको हम टच कर सकते हैं, जो कोई ना कोई एरिया ऑक्यूपाई करते हैं, लाइक बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल्स, ऑल दीज आर टेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स सर वो एसेट्स जो हमारे एसेट्स मौजूद है लेकिन उनका फिजिकल फॉर्म मौजूद नहीं है, जैसे कि सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट्स, ओके, गुडविल, दीज आर एसेट्स बट इनटेंजिबल एसेट्स, ओके। देन टेंजिबल एसेट्स को सर हम मजीद दो टाइप्स में तोड़ सकते हैं, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट। करंट एसेट्स वो एसेट्स जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे लेस देन 1 ईयर तक, फॉर एग्जाम्पल कैश, इन्वेंट्री, स्टेशनरी, हम जानते हैं ये सब हमारे पास
हमने कॉन्सेप्ट में सब पहले समझ चुके हैं, तो मैं इसको जरा गो थ्रू करके हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। इसी तरीके से नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जो बिजनेस को बेनिफिट देते हैं मोर देन मनी, होता है लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट, जैसे बिल्डिंग व्हीकल्स ये सब लैंड वगैरह, ये हमारे नॉन करंट एसेट्स का पार्ट है। सर टेंजिबल एसेट्स की कंसाइज डेफिनेशन आप सर यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। टेंजिबल एसेट्स आर एसेट्स दैट हैव बीन फिजिकली सब्सटेंस एंड आर ऑल्सो नोन एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। दे आर हेल्ड यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर रेंटल टू अदर्स और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव, या तो यूज करेंगे इसको ओके, एंड आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज ड्यूरिंग मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। सर अकाउंट के एक से ज्यादा साल तक हम इस एसेट को यूज कर रहे होंगे, जिसके एग्जाम्पल के तौर पर बिल्डिंग वगैरह को लिया। अब यहाँ पर सर याद रखें, ये जो हमारे दो तरह के एसेट्स हैं, टेंजिबल फिक्स एसेट्स और इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स, इसको हम दो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स में डील कर रहे होते हैं। जो हमारा टेंजिबल फिक्स एसेट है जिसके लिए हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, वो सर आईएएस 16 में डील होता है, और इनटेंजिबल एसेट जिसके लिए हम अमोर्टाइजेशन चार्ज कर रहे होंगे, वो हमारा आईएएस 38 में डील हो रहा होगा, जो कि हमारे FA2 का पार्ट नहीं है, ये F3 के अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे। सर पहले तो हमने इनके स्टैंडर्ड समझ लिए, और दूसरा हमने ये समझ लिया कि सर डेप्रिसिएशन बेसिकली होती किसके लिए, टेंजिबल फिक्स एसेट के लिए डेप्रिसिएशन होती है। और टेंजिबल फिक्स एसेट क्या होता है, एक ऐसा एसेट जो बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट दे और उसका फिजिकल फॉर्म मौजूद हो, सर ऐसे एसेट्स के लिए हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होते हैं। सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे जहन में आता है कि बेसिकली डेप्रिसिएशन होता क्या है, इसका नेचर क्या है। सर याद रखिए डेप्रिसिएशन का नेचर एक्सपेंस का है, इनकम स्टेटमेंट में चार्ज होगा, ठीक है। जाहिर सी बात है हम डबल एंट्री बुक सिस्टम तौर पर पढ़ते हैं, एक चीज डेबिट होती है एक चीज क्रेडिट होती है, तो अगर हम डेप्रिसिएशन की एंट्री देखते हैं तो क्या बनती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो एक्सपेंस जो डेबिट हुआ वो इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा, ठीक है, जिसको हम टेम्पररी अकाउंट कहते हैं, और बैलेंस शीट के अंदर आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जाके कॉस्ट से कॉस्ट ऑफ एसेट्स जाके माइनस होगा और हमारे पास नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, सो सर हमने ये समझ लिया डेप्रिसिएशन ओरिजिन क्या है। अब यहाँ पर इस स्लाइड में समझने जा रहे हैं कि डेप्रिसिएशन बेसिकली होता क्या है, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और इसकी डबल एंट्री क्या पास करेंगे। सर डेप्रिसिएशन याद रखिए सिंपल, फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग में लेता हूं और उसकी लाइफ 50 साल है और 50 लाख का मैंने एसेट खरीदा है, तो सर वी नो दैट इफ वी बाइंग एसेट्स फॉर 50 लाख रुपए डॉलर, ठीक है, एंड द लाइफ ऑफ द एसेट इज 50 ईयर्स, सो वी नो दैट दिस एसेट इज गोइंग टू प्रोवाइड बेनिफिट टू आर बिजनेस फॉर 50 ईयर्स। तो सर वी विल चार्ज देयर कॉस्ट ओवर 50 ईयर्स। सो डेप्रिसिएशन इज सिंपली इज दैट द एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट ओवर देयर इकोनॉमिकल यूजफुल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द टेंजिबल नॉन करेंट एसेट। फॉर एग्जाम्पल 50 लाख रुपीज द कॉस्ट ऑफ द एसेट एंड द 50 ईयर इज देयर लाइफ, सो 50 लाख डिवाइड बाय 50, सो आंसर विल बी 100,000, $1 lakh। सो दिस इज डेप्रिसिएशन। व्हाट इज दिस, व्हाट वी जस्ट डू इट, वी जस्ट डूइंग cost of the asset dividing by their life, okay? For example, we have an example here, 500,000 are cost of the asset and the life of the asset is 5 years. So sir, जैसे हमने 5 लाख को 5 से divide किया तो पता चला 1 लाख per year का depreciation हमारे पास आ रहा है, यानी कि इस asset को हम अगर use करते हैं तो हमारे asset की depreciation जो 1 साल की होगी वो कितनी होगी, 1 लाख। तो ये हमने क्या किया सर, चूंकि हम एसेट से बेनिफिट लेंगे 5 सालों तक, तो हमने उसकी कॉस्ट को भी 5 सालों के ऊपर क्या कर दिया, एलोकेट कर दिया। तो सर ये जो कॉस्ट की एलोकेशन है इसी को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। सर बिकॉज ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं, टेंजिबल नॉन करेंट एसेट्स के लिए, इसलिए इसको वर्ड दिया जा रहा है डेप्रिसिएशन। यही सेम चीज हम किसके लिए कर सकते हैं, इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स, इनटेंजिबल नॉन करेंट एसेट्स के लिए, लाइक सॉफ्टवेयर वगैरह, ठीक है, उनके लिए भी यही सेम प्रोसीजर अप्लाई हो सकता है। ओके तो सर ये तो सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा टेंजिबल फिक्स एसेट के लिए, सेम वही प्रोसीजर अप्लाई होगा इनटेंजिबल नॉन करेंट एसेट लाइक सॉफ्टवेयर। आपने माइक्रोसॉफ्ट से 5 लाख का सॉफ्टवेयर लिया, 5 साल तक आप इस्तेमाल करेंगे, तो सर 5 लाख को आप 5 से डिवाइड करेंगे, अब जो आंसर आएगा उसको हम डेप्रिसिएशन नहीं कहेंगे, उसको हम अमोर्टाइजेशन कहेंगे। अमोर्टाइजेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो एक इनटेंजिबल एसेट के लिए चार्ज किया जा रहा है, और यहां पर हम इसको डेप्रिसिएशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सर ये टेंजिबल
फिक्स एसेट की बात हो रही है, टेंजिबल नॉन करंट एसेट की बात हो रही है, तो सर ये फर्क हमेशा याद रखिएगा, और डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन की नेचर सेम है, वर्ड्स क्यों डिफरेंट है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें, एक जो है वो टेंजिबल के लिए और एक है इनटेंजिबल के लिए। ओके तो सर जल्दी से इसको आगे बढ़ा लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन का मतलब सिंपल वर्ड्स में याद रखें कि एसेट की कॉस्ट की एलोकेशन है, सिंपल हमने एसेट की कॉस्ट को एलोकेट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसकी लाइफ के ऊपर। सर डेप्रिसिएशन इज अ मेजर ऑफ द कॉस्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द टेंजिबल नॉन करेंसी दैट हैव बीन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। सिंपल जितनी कॉस्ट उसकी कंज्यूम हो जाएगी एक साल के अंदर, वो इसकी क्या है डेप्रिसिएशन या एलोकेशन, इसको सिंपल वर्ड में कह सकते हैं एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट ओवर देयर यूजफुल लाइफ। जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं 5 लाख उसकी कॉस्ट है, 5 साल तक इस्तेमाल करेंगे, तो जैसे हमने 5 लाख को 5 से डिवाइड किया तो आंसर आया 1 लाख, पता चला हम 1 लाख के बेनिफिट्स कंज्यूम करेंगे इस एसेट के 1 साल के अंदर, और जितने से उसकी कॉस्ट कंज्यूम होगी वही उसकी क्या बन जाएगी डेप्रिसिएशन। डबल एंट्री सिंपल है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहाँ चला जाएगा आपका, ये आपका इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है I/S, ये इनकम स्टेटमेंट चार्ज हो जाएगा, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहाँ चला जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। सर बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, एसेट की कॉस्ट जहां लिखेंगे उसके अंदर से इसको ले जाके हम क्या कर देंगे माइनस। तो जैसे ही एसेट की कॉस्ट में से हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे सर हमारे पास क्या आ जाएगा नेट बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। फर्दर आगे बढ़ते हैं तो ये सर एक्सट्रैक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके सामने आ रहे हैं, दो इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट। अब यहाँ पर हम ये सीखने जा रहे हैं कि सर डेप्रिसिएशन की इनकम स्टेटमेंट में क्या रिकॉर्डिंग होगी और बैलेंस शीट में क्या रिकॉर्डिंग होगी। सर इनकम स्टेटमेंट में सिंपल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज हो जाएगा 1 लाख का, और बैलेंस शीट में देखिए कॉस्ट ऑफ एसेट 5 लाख थी, और चूंकि अभी तक एसेट 1 लाख का डेप्रिशिएट हुआ है तो 1 लाख उसका माइनस किया, तो NBV स्टैंड फॉर नेट बुक वैल्यू, जिसको हम कैरिंग वैल्यू भी कह रहे होते हैं, वो आ गई $400,000। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात एक और एक्सप्लेन कर दूं मैं यहाँ पर। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 साल बाद हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, ठीक है, तो सर अब एक्यूमुलेटेड कितना हो जाएगा 300,000, क्योंकि 1 साल का 1 लाख, 3 साल का 3 लाख, और नेट बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी $200,000। ओके तो बेसिकली बैलेंस शीट में टोटल आता रहता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब ही क्या है टोटल डेप्रिसिएशन। ओके और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में सर चार्ज होता रहेगा 100,000। अब सर ये सीख लेते हैं, अब तक हमने क्या सीखा कि डेप्रिसिएशन होती किसके टेंजिबल नॉन करेंट एसेट की, होती क्या है सर सिंपल डेप्रिसिएशन क्या है एसेट की कॉस्ट की एलोकेशन उसकी लाइफ के ऊपर। देन हमने ये समझा कि सर इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, इसकी डबल एंट्री क्या पास होगी, और कैसे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाकर रिकॉर्ड होगा, ये हमने अब तक सीख लिया। अब आ रहा है आपके सामने कंपोनेंट्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, अगर आप डेप्रिसिएशन किसी भी एसेट की कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होंगे सर वो देखने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको एसेट की कॉस्ट का पता होना चाहिए, कितने का एसेट आप एक्वायर करने जा रहे हैं, उसकी लाइफ क्या, याद रखिए जब तक एसेट की लाइफ आपको पता ना हो आप उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते। इसीलिए हम कहते हैं कि लैंड को हम डेप्रिशिएट नहीं करते, क्योंकि लैंड की कोई डिफाइंड लाइफ होती ही नहीं है, इसलिए हम लैंड को डेप्रिशिएट नहीं कर रहे होते। ओके सर देन इट इज सैल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू वी कैन से ऑल्सो, एंड रेजिडुअल वैल्यू, दिस थ्री आर सेम। सर व्हाट डज इट मीन, व्हेन द एसेट कंप्लीट योर लाइफ एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लाइफ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द एसेट दैट इज कॉल्ड सैल्वेज वैल्यू। जैसे आपने 5 लाख का एसेट लिया और हम समझ रहे हैं कि 5 साल बाद जब ये अपनी लाइफ कंप्लीट कर लेगा तो मे बी ये एसेट $20,000 का सेल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर यूजफुल लाइफ उस एसेट की क्या वैल्यू होगी सर, दैट इज कॉल्ड सेल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू भी इसको हम कह रहे होते हैं। तो सर एसेट अपनी कॉस्ट अपनी लाइफ कंप्लीट करने के बाद जितने का सेल आउट हो गया दैट इज कॉल्ड सेल्वेज वैल्यू। सर जाहिर सी बात है कॉस्ट चाहिए लाइफ चाहिए, सेल्वेज वैल्यू अगर सवाल में गिवन है तो यूज करेंगे, अगर नहीं है तो उसका मतलब उस एसेट की कोई वैल्यू नहीं होगी उसकी लाइफ कंप्लीट होने के बाद। जो इंपॉर्टेंट पार्ट एक और हमें रिक्वायर्ड होगा वो क्या होगा, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, हमें पता होना चाहिए कि हम कौन से मेथड से डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे। सर आप जानते हैं कि हमारे पास दो मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन बड़े इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं SLM स्ट्रेट लाइन मेथड, और सेकंड क्या होगा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, DBM एंड SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड के फर्दर फिर दो फॉर्मूलाज बन जाते हैं हमारे पास, एक क्या है सर उसका कॉस्ट ऑफ द एसेट, सी स्टैंड फॉर कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू SP डिवाइड बाय लाइफ। जैसे हम एसेट की कॉस्ट में से सैलवेज वैल्यू माइनस कर देंगे देन उसके लाइफ से डिवाइड कर देंगे तो हमारे सामने डेप्रिसिएशन आ जाएगा, और हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड की डेप्रिसिएशन मेथड की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है
कि इसके हर साल की डेप्रिसिएशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। ओके, सेकंड पार्ट, सेकंड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है एसेट का, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन। सर अगर स्ट्रेट लाइन मेथड में, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड में हमारे पास परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाए, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वी कैन जस्ट सिंपली अप्लाई परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन द कॉस्ट ऑफ एसेट। ओके, इफ देयर इज अ सैल्वेज वैल्यू इज गिवन इन क्वेश्चन, देन यू कैन माइनस सैल्वेज वैल्यू फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द एसेट, कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू, देन यू कैन मल्टीप्लाई बाय द परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन। सर दो मेथड है डेप्रिसिएशन के, स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड के दो फॉर्मूला हो सकते हैं, कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ, एंड सेकंड फॉर्मूला क्या हो सकता है कि कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर सैलरीज वैल्यू गिवन होगी तो कॉस्ट में से माइनस होने के बाद हम उस पर परसेंटेज अप्लाई कर रहे होंगे। तो सर ये हो गया। सेकंड मेथड क्या है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसका एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, सर नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन। हम एसेट की नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे पहले, देन उस पर अप्लाई करेंगे परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन। सर नेट बुक वैल्यू कैसे निकलती है, एसेट की कॉस्ट ले ले, उसमें से आज तक जितना एसेट डेप्रिशिएट हो चुका है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। दो टर्म्स का फर्क हमेशा याद रखें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का मतलब क्या है, एक साल की डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि एसेट जब से मैंने एक्वायर किया है और आज तक, फॉर एग्जाम्पल 4 साल हो गया मुझे इस्तेमाल करते हुए एसेट को, तो सर अगर मैं 1 लाख एक साल की डेप्रिसिएशन करता हूँ तो सर 4 सालों की डेप्रिसिएशन कितनी हो गई, 4 लाख, यही क्या कहलाती है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या है, जो कि 1 साल का होता है, जिसको मैं 1 लाख ही कहूंगा, ठीक है। तो फर्क हमेशा याद रखिएगा, सर जब भी आपको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी होगी तो आप सबसे पहले उसकी क्या निकाल लेंगे, नेट बुक वैल्यू, देन आप उसको क्या अप्लाई कर देंगे, परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन। सर इस मेथड की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, चूंकि इसका नाम क्या है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, ये तीनों नाम यूज कर रहे होते हैं इस मेथड के। सर चूंकि इसका नाम से ही पता लग रहा है कि कोई चीज रिड्यूस हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, ठीक है, तो सर इसका मतलब यह है, इस डेप्रिसिएशन मेथड की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यह है कि हर साल की डेप्रिसिएशन पिछले साल की डेप्रिसिएशन से क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी, रिड्यूस होती रहेगी। ओके सर, यही डिस्कशन में यहीं पे कर लेता हूँ, अक्सर आपसे एमसीक्यूज पूछ लिया जाता है कि विच टाइप ऑफ मेथड वी कैन यूज फॉर व्हाट टाइप ऑफ एसेट, किस मेथड को हम, किस डेप्रिसिएशन मेथड को किस एसेट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ओके तो सर यहाँ पर आंसर हमेशा याद रखिए, चूंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल का डेप्रिसिएशन सेम रहता है और रिड्यूसिंग में हर साल का डेप्रिसिएशन मेथड, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होता रहता है, रिड्यूस होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल पहले साल का 50,000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया, सेकेंड ईयर का 40,000, फिर 35, फिर 25, तो रिड्यूस होता रहेगा। तो सर ये याद रखिए, इसी कैरेक्टरिस्टिक की बेस पर हम अपने डेप्रिसिएशन मेथड को सिलेक्ट करते हैं किसी भी एसेट के लिए। हम उस एसेट को देखेंगे कि उसके जो बेनिफिट्स है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम एसेट उसी चीज को कहते हैं, ऐसे रिसोर्स को जो हमारे बिजनेस को क्या दे रहा होता है, बेनिफिट्स दे रहा होता है। सर अगर वो एसेट हमें सेम बेनिफिट्स दे रहा है हर साल, तो सर ऐसे एसेट के लिए हम स्ट्रेट लाइन मेथड को लगा रहे होंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे होंगे। और ऐसे एसेट्स जिनके बेनिफिट्स शुरू के सालों में बहुत ज्यादा होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनके बेनिफिट्स क्या होते रहते हैं, कम होते रहते हैं, तो ऐसे एसेट्स के लिए हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को यूज कर सकते हैं। सर जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग हम जानते हैं नॉर्मली हर साल सेम ही जो है वो हमें अप्लाई दे रहा होता है बेनिफिट्स, ठीक है, बिल्डिंग के जितने बेनिफिट्स है वो नॉर्मली हर साल सेम रहते हैं, तो इसलिए बिल्डिंग के नॉर्मली हम स्ट्रेट लाइन मेथड पे यूज कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इक्विपमेंट्स की, जो एनर्जी से चलने वाले हैं व्हीकल्स, ऐसे एसेट्स जिनके बेनिफिट शुरू में अच्छे रहते हैं, बाद में वक्त गुजरने के साथ जो है उसके बेनिफिट्स कम होते रहते हैं, तो सर हम ऐसे एसेट्स के लिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को अप्लाई कर रहे होते हैं। ओके तो सर ये आपको अक्सर एमसीक्यू एग्जामिनर पूछ लेता है कि हम कौन से एसेट के लिए कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, तो याद रखिए अगर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एसेट के सेम है तो आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करेंगे, और अगर इकोनॉमिक बेनिफिट्स डिक्लाइनिंग है, कम होते जा रहे हैं, तो सर आप उसके लिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को अप्लाई करेंगे, जिसका फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है। ओके सर, ये हमारे कॉम्पोनेंट्स ऑफ डेप्रिसिएशन हो गए। सर चूंकि पहला कंपोनेंट क्या है, कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट, तो याद रखिए एसेट की कॉस्ट सिर्फ उसकी वो वैल्यू नहीं है, वो लिस्ट प्राइस नहीं जो आपने पे किए
अपने सप्लायर जिससे आपने एसिड खरीदा है, इसके अलावा भी उस एसिड को यूजेबल फॉर्म में लाने तक जितने भी एक्सपेंसेस इंक्रड हो रहे हैं, वो सब आपने उस एसिड की कॉस्ट में क्या करने हैं, एड अप करने हैं। तो सर यहाँ पे देख लें, अकाउंटिंग रिपोर्टिंग गाइडलाइन स्टेट दैट द कॉस्ट ऑफ एन एसिड विल इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसिड, द परचेज इनवाइस प्राइस ऑफ द एसिड और इट्स एग्रीड वैल्यू, एनी कॉस्ट रिक्वायर्ड टू गेट इट इन अ कैपेसिटी एंड लोकेशन टू अर्न द रेवेन्यू। सेम बहुत सिंपल वर्ड्स में हम यहाँ पे समझ लेते हैं इसको कि सर एसिड को जहां से हमने खरीदा वहां से लेकर जहां हमने इसको यूज करना है वहां तक पहुंचाने के लिए, उसको यूजेबल फॉर्म में लाने तक जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो सर एसिड की कॉस्ट ऑफ एसिड के अंदर सारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ओके, सेकंड सेकंड ये कि सर अब वो कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल डिलीवरी एक्सपेंसेस, इंस्टॉलेशन, ठीक है, टेस्टिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट टेस्टिंग एक्सपेंसेस सब आप कॉस्ट ऑफ द एसिड में ऐड कर रहे होंगे, इंस्टॉलेशन हो गया, फाउंडेशन जहां पे एसिड को लाके आप जो है वो इंस्टॉल करेंगे, जिस जगह पर एसिड फिट होगा वहां के लिए अगर फाउंडेशन बना रहे तो वो भी एसिड की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। तो सर ये तमाम एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस को याद रखें, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, यानी कि जब एसिड आप तक आ रहा था रस्ते में जो आपने उसकी इंश्योरेंस करवा दी, दैट इज कॉल्ड इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, वो उस एसिड की कॉस्ट में ऐड होगा, लेकिन इसके अलावा कोई इंश्योरेंस एसिड की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, लाइक लाइफ इंश्योरेंस, वो सब एसिड की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। एक सिंपल सी बात याद रखें, एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं, एक कैपिटल एक्सपेंस और एक रेवेन्यू एक्सपेंस। रेवेन्यू एक्सपेंस वो एक्सपेंस जो हमें बेनिफिट दें लेस देन वन ईयर तक, कैपिटल एक्सपेंसेस वो एसिड वो एक्सपेंसेस जो हमें बेनिफिट दें मोर देन वन ईयर तक, जिसको ISU कहता है कि अगर आपने एसिड पे एक्सपेंस किया अगर उसकी लाइफ या एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई तो आप उस एक्सपेंस को कैपिटलाइज करेंगे और एसिड की कॉस्ट पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे आपने फॉर एग्जांपल किसी गाड़ी पे नए टायर लगवा दिए और वो नए टायर आप जानते हैं कि मोर देन वन ईयर तक हमें बेनिफिट देंगे और इससे गाड़ी की एफिशिएंसी अच्छी हो जाएगी, तो सर आप उसको उस खर्चे को एसिड की कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे। लेकिन फ्यूल वगैरह, ऑयलिंग वगैरह, रिपेयरिंग वगैरह, हम जानते हैं एसिड को कोई ना उसकी लाइफ इंक्रीज करते हैं खर्चे, ना उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करेंगे, तो सर ये एक्सपेंसिव जो है वो आप सिंपली क्या कर रहे होंगे, इनकम स्टेटमेंट में ले जाकर एक्सपेंस आउट कर रहे होंगे, ठीक है। तो जो कैपिटल एक्सपेंसिस होते हैं वो एसिड की कॉस्ट में एड हो जाते हैं और जो रेवेन्यू एक्सपेंसिस है वो एसिड की कॉस्ट में एड नहीं होंगे बल्कि इनकम स्टेटमेंट में जाके एज अ एक्सपेंस आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिए जितने भी कैपिटल एक्सपेंसेस हैं वो सब एसिड की कॉस्ट के अंदर ऐड होंगे, जिसके अंदर मैंने आपके एग्जांपल्स दी, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, आपके जो है वो इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, आपके फाउंडेशन एक्सपेंसेस, आपके सर जितने भी टेस्टिंग एक्सपेंसेस हैं, सारे सारे सर एसिड की कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। सर कॉस्ट ऑफ एसिड कुछ यूं कैलकुलेट हो जाएगी और उसके बाद अब इनिशियली हम कॉस्ट एसिड को याद रखें उसकी कॉस्ट पे जो है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं हमेशा, जिसके अंदर ये सारी चीजें शामिल है जो मैं स्क्रीन पे आपके सामने शो कर रहा हूँ कि प्राइस ऑफ एसिड क्या होगी, लोडिंग डीलोडिंग चार्जेस, ड्यूटीज, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, फाउंडेशन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ये सारी एक्सपेंसिस हैं जो एसिड की कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। अब क्या सब्सिक्वेंटली सर कितने किस पे एसिड को रखेंगे, तो याद रखिए सब्सिक्वेंटली अगर कोई एसिड पे खर्चा होता है अगर वो रेवेन्यू एक्सपेंस है तो सर वो सिंपल कहाँ चला जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में जाके चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ऐसा एक्सपेंस जो एसिड की ना लाइफ इंक्रीज करे ना उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करे वो रेवेन्यू एक्सपेंस है और वो जाके इनकम स्टेटमेंट में चार्ज हो जाएगा। लेकिन सर ऐसे एक्सपेंसेस जो एसिड की कॉस्ट में जाके जैसे एक्सपेंस करेंगे और हम जानते हैं कि ये एक्सपेंसेस जो है वो हमारे एसिड की कॉस्ट को इंक्रीज कर देंगे, दीज ऑल एसिड की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देंगे, एसिड की लाइफ को इंक्रीज कर देंगे, सर वो तमाम एक्सपेंसेस क्या है, कैपिटल एक्सपेंसेस। ओके, तो सर कैपिटल एक्सपेंसेस जो है एसिड की कॉस्ट का पार्ट बन जाएंगे, ऐड हो जाएंगे कॉस्ट में, और रेवेन्यू एक्सपेंसेस जिसकी एग्जांपल आपके सामने आ रही है, रिपेयर, लाइसेंस फीस, लाइफ इंश्योरेंस, फ्यूल एक्सपेंसेस, सर्विस चार्जेस, सब जो है वो एसेट के क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। जबकि कैपिटल एक्सपेंसेस जिसकी एग्जांपल हमने पीछे भी देखी, इंस्टॉलेशन वगैरह, वो सब एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। सर ट्रीटमेंट हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस इनकम स्टेटमेंट में चार्ज होंगे और कैपिटल एक्सपेंसेस जो है वो बैलेंस शीट में जाकर एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। ओके, सो any question you want to ask,
Yes, students. Any question you want to ask till now? Okay. So further, so many times examiner asks that why we record depreciation basically. So sir, remember this thing. The reason behind recording of depreciation, there are four main reasons. The first one is prudence concept. Due to prudence concept, we record depreciation. The prudence concept kya kehta hai humse? Do not overstate your assets. Sir, agar main ek asset 5 lakh ka leta hu, $500,000 ka maine ek asset acquire kiya aur wo asset har saal 1 lakh se depreciate hona chahiye aur main depreciation nahi charge karta, to sir mere asset ki value kya aa jayegi? Overstate ho jayegi. So that's why due to prudence concept we charge depreciation. What is matching? Why we record depreciation? The second answer is matching principle. Due to matching principle we charge depreciation because as we are taking benefits from the fixed non-current asset. So if we are recording the benefits of non-current asset, so then we need to charge their depreciation expense because expense is associated with non-current asset. तो अगर हम एक एसेट के बेनिफिट्स को चार्ज कर रहे हैं तो सर उससे रिलेटेड एक एक्सपेंस है जिसको हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कह रहे हैं. हम जानते हैं कि इस एसेट को जो यूज कर रहे हैं इसकी वैल्यू डे बाय डे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है. तो सर दैट्स व्हाई वी विल चार्ज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, दैट इज कॉल्ड मैचिंग प्रिंसिपल. जो हमें कह रहा होता है कि अगर आप किसी बेनिफिट किसी एसेट का रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसका एक्सपेंस को भी हम चार्ज जरूर करेंगे. वेयर एंड टेयर की वजह से जो है वो आप जो है वो एसेट की डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होते हैं और एसेट की एक्चुअल रिमेनिंग वैल्यू जिसको हम नेट बुक वैल्यू कह सकते हैं ईयर एंड पर चार्ज रिकॉर्ड करनी होती है, जिसका फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. तो सर कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये हमारे नेट बुक वैल्यू का फॉर्मूला है. तो अगर मैं डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करूंगा तो सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में कैलकुलेट नहीं कर सकता, और अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में चार्ज नहीं कर सकता तो सर मैं नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकता. इसीलिए ईयर एंड पे नेट बुक वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मुझे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगी, और वो कैसे निकलेगी, हर साल के डेप्रिसिएशन को ऐड करके. तो मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा. अक्सर एक एमसीक्यूज में एग्जामिनर पूछ रहे थे कि व्हाट इज डेप्रिशिएबल कॉस्ट. तो याद रखिए डेप्रिशिएबल कॉस्ट का सिंपल मतलब यह है कि एसेट की कॉस्ट का वो पार्ट जो ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द एसेट सारा डेप्रिशिएट होगा, सर दैट इज कॉल्ड डेप्रिशिएबल कॉस्ट. जैसे 5 लाख का आपने एसेट लिया और हम जानते हैं कि $20,000 का ये एसेट 5 साल बाद बिक जाएगा, जिसको हम सैलवेज वैल्यू कहते हैं. सर कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू इज कॉल्ड एज डेप्रिशिएबल कॉस्ट. 500,000 माइनस 20,000 दैट इज कॉल्ड 480,000. ये आपका क्या बन जाएगा, डेप्रिशिएबल कॉस्ट. सर डेप्रिसिएशन और डेप्रिशिएबल कॉस्ट को हमेशा जहन में रखिए, दिस बोथ आर डिफरेंट थिंग. अगर मैं डेप्रिशिएबल कॉस्ट को डिवाइड करूंगा लाइफ से then we can calculate depreciation expense, otherwise cost minus salary value is equals to depreciable cost. Okay sir, assumptions for depreciation, jab bhi hum depreciation charge karenge, jab bhi hum depreciation calculate karenge, to sir hame do mein se kisi ek assumption ko leke chalna padega. The first assumption is full year assumption, the second is proportionate. Full year ka matlab kya hota hai sir, ki asset jis saal mein aapne acquire kiya hai, जिस साल में ऐसे आपने एक्वायर किया उस साल पूरे साल की डेप्रिसिएशन आप चार्ज करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ईयर स्टार्ट होता है जनवरी 1st को, एंड होता है दिसंबर में. मैंने एसेट मार्च में खरीदा, ठीक है, जनवरी फरवरी में एसेट मेरे पास नहीं था. अगर देखा जाए तो इस साल मैंने एसेट को 10 महीने 10 मंथ्स मैंने एसेट को यूज किया, तो मुझे 10 मंथ्स की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी चाहिए, ठीक है, मुझे 10 मंथ्स की डेप्रिसिएशन को चार्ज करना चाहिए. लेकिन लेकिन मैं अगर 10 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूं, याद रखिए मंथली बेसिस पे अगर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूं तो सर मैं प्रोपोर्शनेट अजम्पशन को यूज कर रहा हूं. और अगर मैं कहता हूं कि भाई जिस साल में एसेट हम खरीदेंगे उस साल में पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी, और जिस साल में एसेट को हम डिस्पोज ऑफ करेंगे बेचेंगे उस साल में कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी, तो सर फिर हम कहां खड़े हैं, फुल ईयर के अंदर. फुल ईयर अजम्पशन हमसे यही कहती है कि जिस ईयर में आप एसेट को एक्वायर करें
उस पूरे ईयर की डेप्रिसिएशन को आप चार्ज करें, चाहे आपने किसी भी महीने में एसेट खरीदा हो, और जिस साल में एसेट को आप बेच रहे हो, डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, और साल के किसी भी महीने में, आखिरी महीने में आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हो एसेट को, तब भी आप एक महीने की भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे सर। यह है फुल ईयर। प्रोपोर्शनेट क्या कहता है, मंथली बेसिस पे डेप्रिसिएशन को चार्ज करें, जितने महीने एसेट को यूज किया उतने महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दें। सर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन आपके सामने आ चुके हैं, जिसको हमने भी पिछली स्लाइड से भी थोड़ा सा समझा, तो दोबारा समझ लेते हैं। आपके सामने फॉर्मूला आ रहा है, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस नेट रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, और उसका सेकंड फॉर्मूला आपके सामने आ रहा है, कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन। तो सर ये दो फॉर्मूला है हमारे स्ट्रेट लाइन मेथड के। आइए इसके एक एग्जांपल देखते हैं आपके सामने। एसेट की कॉस्ट है 24,000, स्क्रैप वैल्यू है 4,000, और लाइफ है उसकी 5 ईयर्स। सर डेप्रिसिएशन चार्ज बताइए क्या होगा, और हर साल का, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज आफ्टर 4 ईयर्स। आफ्टर 4 ईयर्स व्हाट विल बी दैट डेप्रिसिएशन एक्यूम, बेसिकली दे आर आस्किंग अबाउट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ओके स्टूडेंट्स, इफ वी सॉल्व इट हियर, सो व्हाट इज द फॉर्मूला, वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, because we have cost that is 24,000 minus salvage value that is 4,000, okay, and the life is 5 years, okay, so 20,000 divided by 5, as we divide 20,000 by 5, so what will be the answer? 4,000. Yes, this is your depreciation expense. This is your depreciation expense, 4,000. And now they are asking about depreciable cost. So what will be a depreciable cost? So simple, cost of asset that is 24,000 minus salvage value that is 4,000. So 20,000 is your depreciable cost. Okay, so this answer is here. Depreciation expense 4,000. And the last thing, what will be the accumulated depreciation and net book value for after 4 years? Okay, sir, we can calculate. Okay, we can calculate here. Net book value. Net book value formula is cost of asset. Cost of asset minus accumulated depreciation is equals to net book value. Okay, the cost of asset is 24,000. Accumulated depreciation, they are asking net book value after 4 years. Okay, after 4 years they are asking about net book value, so we need to find out 4 years depreciation. Because this is a straight line method, we know that in straight line method every year's depreciation is same, 4,000. So 4,000 for 1 year, and for 4 years it will be 16,000. 4 fours are 16, so 16,000 is your accumulated depreciation. So the answer is 8,000. Okay, so net book value is 8,000, accumulated depreciation is 16,000. Okay, so sir, this question has been solved. There are different requirements in this question. The first requirement is depreciable cost. Depreciable cost formula is cost minus salvage value. 24,000 minus 4,000 is 20,000 is your depreciable cost. What is the depreciation charge for the year, sir? Cost minus salvage value divided by life, 20,000 divided by 5, 4,000 is your depreciation expense. What will be the accumulated depreciation? That is 16,000. Sir, how can we calculate accumulated depreciation? 1 year depreciation multiplied by number of year passed. They are asking accumulated depreciation for after 4 years. So sir, 1 year depreciation is 4,000 and multiplied by 4 years. So answer will be 16,000. Sir, accumulated depreciation is 16,000. Now what is the net book value? Cost minus accumulated depreciation. Cost is 24,000 and the accumulated depreciation is 16,000. So your net book value is 8,000. Okay, furthermore, the second method is the reducing balance method of depreciation.
And the reducing balance method formula is simply net book value multiplied by percentage of depreciation. Okay, net book value, how can we calculate? Cost minus accumulation, we know that. Accumulated depreciation is total depreciation charged on an asset up to date. Okay, so sir, यहाँ पर हमने ये समझ लिया कि reducing balance method का formula क्या होता है. Okay, net book value का formula क्या होता है? हम जानते हैं कि जब भी हमें reducing balance method से depreciation calculate करनी है, तो sir हमें हमेशा net book value को calculate करना पड़ेगा. अब एक सवाल हम net book value के through भी देख लेते हैं, और then हम अपने इस टॉपिक के मेन पार्ट की तरफ चले जाएंगे, एंड दैट इज कॉल्ड डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट, जिसमें अक्सर स्टूडेंट जो है वो इश्यूज क्रिएट कर रहे होते हैं और दे आर लैकिंग इन दिस पार्ट, सो वी विल स्टार्ट दैट पार्ट. ओके, एग्जांपल इज हियर फॉर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. कंपनी परचेज अ न्यू व्हीकल फॉर हर बिजनेस. हॉली परचेज अ न्यू व्हीकल फॉर हर बिजनेस $24,000. हॉली डेप्रिशिएट मोटर व्हीकल्स 25% पर एनम using the reducing balance method. Annual charge of the depreciation for motor vehicle for each of the first 3 years of ownership. There are two methods through which we can solve this question. Okay, if we start with the simple method, sir, we know the formula. The formula is net book value multiplied by percentage of depreciation. And how can you calculate net book value? Cost minus accumulated depreciation. They are asking about 3 years ownership of depreciation, like 3 years depreciation. Okay, so first year, if you talk about first year, year one, so what is the formula of depreciation expense? Net book value multiplied by percentage of depreciation. Okay, so sir, percentage of depreciation, so we know that percentage is 25%. Okay, but the second thing, net book value, we don't know about net book value. Okay, how can we charge net book value? What is the cost of the asset? Sir, cost is 24,000 minus accumulated depreciation. As we are calculating year one depreciation, as we are calculating year one depreciation, so there is no past accumulated depreciation. So first year accumulated depreciation will be zero. So the net book value for first year is 24,000. And as we apply 24,000 multiplied by 25%. So what will be the answer, sir? 24,000 multiplied by 0.25 or 25%. So 6,000 will be your answer for depreciation expense for first year. Okay. So the जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था स्टूडेंट्स, कि सर याद रखें, जब भी आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के तहत क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, आपने हमेशा सर उस आपने हमेशा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के लिए सबसे पहले नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी है. नेट बुक वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. सर चूंकि पहला ईयर है, तो एक्यूमुलेटेड यहां पर क्या हो जाएगा? जीरो. ये याद रखिएगा. ओके, अब जीरो रख के हमने नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट की, 24,000 आई, 24,000 उसको हमने पुट किया फॉर्मूले में, मल्टीप्लाई 25% किया, आंसर आ गया 6,000. तो ये मेरे ईयर वन की डेप्रिसिएशन यहाँ पर क्या हो गई? चार्ज हो गई. ओके, अगर मैं बात करूं ईयर टू की, सर ईयर टू के लिए फिर सेम फॉर्मूला लगेगा, कॉस्ट माइनस सैलरी, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड नेट बुक वैल्यू आ जाएगी, उस नेट बुक वैल्यू पे अप्लाई कर देंगे हम 25%. अब अगर मैं ईयर टू की बात करूं इसी स्लाइड पर रहते हुए, अब मैं अगर ईयर टू की बात करूं इसी स्लाइड पर रहते हुए, तो सर ईयर टू पे हम कैसे बात करेंगे? ईयर टू की डेप्रिसिएशन की अगर हम बात कर लें यहां पर, ओके, कॉस्ट कितनी है एसेट की? 24,000. अब चूंकि मैं ईयर टू पे खड़ा हूं, तो पिछले साल की डेप्रिसिएशन कितनी हो चुकी है आज तक? 6,000. ओके, तो सर मेरी नेट बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18,000. नाउ वी कैन अप्लाई 25% on net book value, and that is 18,000. So now, what will be the depreciation expense for year two? The answer is 4,500. 4,500. Okay. 4,500 is your new year depreciation, second year depreciation. You can see that the first was 6,000. The second year depreciation is 4.5. के और 4,500. तो आप देखें डिक्लाइनिंग इफेक्ट, हर साल का डेप्रिसिएशन कम होता रहेगा.
एक तो ये बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आपने हर साल नेटबुक वैल्यू निकाली, फिर उस पर परसेंटेज अप्लाई की। ओके, मैं एक ईयर का और निकालता हूँ, उसके बाद मैं आपको उसका डायरेक्ट मेथड भी समझा देता हूँ कि कैसे आप डायरेक्टली जो है, बार बार आपको नेटबुक वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की। ठीक है, कैसे वो उसके बाद हम सीखेंगे। पहले मैं जरा इसकी सिंपल मेथड से पहले हम इसको जो है वो देख लेते हैं, ईयर 3 की डेप्रिसिएशन। अब नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट ईयर 3 डेप्रिसिएशन, हाउ कैन वी कैन चार्ज ईयर 3 डेप्रिसिएशन। कॉस्ट इज 24,000। नाउ वी आर स्टैंडिंग इन ईयर 3, 2 years हैव बीन पास। 6,000 वॉज फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन, 4,500 वॉज सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन। सो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज 9,500, सॉरी 10,500। ओके, सो दैट विल बी द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर 2 years। ओके, सो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10,400 फॉर 2 years, सो वी विल डिडक्ट इट फ्रॉम कॉस्ट 10,500। नाउ द आंसर फॉर नेट बुक वैल्यू फॉर ईयर 3, 24,000 माइनस 10,500, 13,500। ओके, सो 13,000 विल पुट हियर, मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन इज हाउ मच, 25%। द आंसर इज 3,375। दिस इज योर थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन। That was simple method through which you can calculate reducing balance method depreciation. So first you will find a net book value, then you can apply percentage of depreciation on that net book value, and you can get per depreciation expense through reducing balance method. So that was simple method, but we have short time, so we can calculate depreciation method through reducing balance method by the simple another method. Okay. How can we calculate, sir, in other way? अब हम आपको एक डायरेक्ट मेथड समझाने जा रहे हैं कि सर डायरेक्टली आप कैसे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के थ्रू डेप्रिसिएशन को चार्ज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इज देयर एनी क्वेश्चन फॉर यू टिल नाउ? ओके, इफ यू हैव क्वेश्चन जस्ट drop in your question here. Okay. So how can we calculate directly depreciation for the reducing balance method? First, calculate year one depreciation. And the year one depreciation was how much? I think that was 6,000, right? 6,000 was year one depreciation, right? If you want to calculate year 2 depreciation, just take year 1 depreciation and apply remaining percentage on that. Sir, we are depreciating our asset by 25% and the remaining percentage is 75%. Okay? So, sir, we can apply 6,075%. Answer will be same as before, 4,500. You can check on your calculators also. Okay, so that is simple method if you want to get depreciation through reducing balance method directly. You can get in a simple way. You will take first year depreciation, but it's necessary the first year depreciation must be for whole year. Okay, whole complete year. Okay, 6,000 is your first year depreciation. You just apply remaining percentage on this 6,000. Okay, as we are depreciating our asset by 25%, the remaining percentage is 75. If we are depreciate our asset by 20%, the remaining percentage is 80%, right? We will apply 80% here. So this is the second way. If you want to use this, you can use. Okay. If you want to charge year 3 depreciation, sir, you can apply 4,500 multiplied by 75%. So as you will get last year depreciation expense and you will apply remaining percentage. Okay, so 4,500 multiplied by 0.75, so 3,375.
75 we will be the year 3 depreciation expense. So you can see that we are getting same depreciation expense for as we calculated before from the other method. Okay, so that was all for depreciation, sir. How can we calculate depreciation through straight line or diminishing balance method? Now we are going towards most important part of this depreciation chapter, and that is disposal of fixed asset. Okay, so what is the meaning of disposal? First understand this. There is nothing special in it. Disposal means to remove fixed asset from your books of accounts. Okay, if you are removing your fixed asset, if you are removing your non-current asset from your books of accounts, you can say that you are doing disposal of non-current asset, disposal of fixed asset. Okay, so disposal means to remove fixed asset from books of accounts. Now there are different modes through which asset may be disposed of. Either you sell out the asset, either you gift it to any other party, either you donate your asset, exchange with new asset, your asset have been destroyed, and your asset have been discarded. As their life is completed, now there is no use of that asset, so you will be remove it from books of accounts. Sir, ye moods ho sakte hain disposal of fixed asset ke. Disposal ka matlab sirf asset ko bechna nahi hota. Okay, disposal ka matlab kya hai ki asset ko books of account se kya kar dena hai, remove kar dena hai. Okay, jaise hum books of account se asset ko remove karenge, sir hum kahenge ki hum disposal kar rahe hain. Aur remove ke reason kya kya ho sakte hain sir? Ya to hum asset ko bech de, ya hum kisi ko gift kar de, ya kisi ko donate kar de, ya exchange kar le naye asset ke sath, ya destroy ho gaya agar hamara asset to hum naya asset lekar aayenge, aur ya hum asset ko discard karenge agar asset ki life complete ho gayi hai. सर, दो तरह के डिस्पोजल हमने अपने हमारे सिलेबस के अंदर शामिल है. एक सिंपल डिस्पोजल है और एक क्या है, एक्सचेंज विद न्यू एसेट. ठीक है, पुराना एसेट देकर नया एसेट आप ले लें. सर, दो मूड्स हम एक्सचेंज ऑफ एसेट के अंदर डिस्पोजल के अंदर यूज कर रहे होंगे. सर, अक्सर डिस्पोजल के क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम कैसे सवाल को स्टार्ट करें. तो मैंने यहाँ पे कुछ स्टेप्स बनाए जिनको यूज करके आप अपने डिस्पोजल के क्वेश्चन को बहुत इजी वे में जो है वो इजी वे के अंदर आप डिस्पोजल के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं. सर, सबसे पहला स्टेप ये है कि जिस एसेट को भी आप डिस्पोज ऑफ करने जा रहे हैं उसका आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लें. ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे. सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आप उस एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को चार्ज कर लें. सेकेंड क्या है, उसकी नेटबुक वैल्यू को कैलकुलेट करें. नेटबुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, एसेट की कॉस्ट में से उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे आप, माइनस कर देंगे तो नेटबुक वैल्यू आ जाएगी. ये हम अब पिछली स्लाइड से हम सीख चुके हैं. नेटबुक वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद मुझे ये पता लगाना है कि सर आया ये एसेट मैंने फायदे में बेचा या नुकसान में. आइदर आई एम फेसिंग गेन ऑन डिस्पोजल और लॉस ऑन डिस्पोजल. ओके सर, हाउ कैन वी कैलकुलेट गेन और लॉस? लेट्स टेक सिंपल एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, एक एसेट था जिसकी कॉस्ट थी 100,000. ओके, अप टिल नाउ वी आर सेलिंग दिस एसेट. जिस टाइम हम इस एसेट को बेच रहे हैं उस टाइम इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 60,000 की. ओके, इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी, 60,000. सर, नेटबुक वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100,000 कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो नेटबुक वैल्यू कितनी हो गई, 40,000. सो अकॉर्डिंग टू अस, अकॉर्डिंग टू आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आवर एसेट वैल्यू इज 40,000. सर, अगर आप अपने इस एसेट को 40,000 से ऊपर सेल कर रहे हैं, लाइक यू आर सेलिंग इट सेल प्रोसीड. सेल प्रोसीड मींस जितने पे आप एसेट को बेच रहे हैं दैट इज कॉल्ड सेल प्रोसीड. ओके, जितने आप एसेट को बेच रहे हैं दैट इज कॉल्ड सेल प्रोसीड. सर, 40,000 वाली चीज को हम सेल आउट कर रहे हैं कितने में, 65,000 पे. तो इसका मतलब है मुझे इस एसेट पे क्या हो गया, गेन हो गया. मुझे एसेट पे क्या हो गया, गेन हो गया. सर, गेन कैसे पता चला, 40,000 वाली चीज को आपने बेच कितने में दिया, 65,000 में. तो सर मुझे गेन कितने का हो गया, 25,000 का मुझे क्या हो गया,
गेन हो गया। अगर मैं अपने नेट बुक वैल्यू से कम पे एसेट को सेल आउट कर रहा हूँ तो सर मुझे लॉस हो जाएगा। 40,000 वाला एसेट मैंने फॉर एग्जाम्पल 30,000 का बेच दिया तो 10,000 मेरा किसमें चला जाएगा, लॉस ऑन डिस्पोजल के ऊपर। और अगर मैंने अपनी नेट बुक वैल्यू से ऊपर एसेट को बेचा तो सर मैं कहूंगा कि मैंने एसेट को बेचते वक्त गेन किया, प्रॉफिट किया। ओके, लास्ट स्टेप होता है इसकी डबल एंट्री। इफ यू वांट टू पास डबल एंट्री सो यू कैन पास, अदरवाइज योर एग्जामिनर नॉर्मली आस्क अबाउट गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। ओके सर, फिर भी समझने के लिए हम यहाँ पे इसकी डबल एंट्री को बना लेते हैं। डेबिट कॉलम एंड दिस इज क्रेडिट कॉलम। बी सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल। लुक, यू आर सेलिंग योर एसेट एट 65,000। ओके सो योर बैंक विल बी डेबिट बाय 65,000। ओके, एज यू नो दैट, वी नो दैट द मीनिंग ऑफ डिस्पोजल इज टू रिमूव फिक्स एसेट फ्रॉम योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो इफ यू आर रिमूविंग योर फिक्स एसेट फ्रॉम योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स सर, यू शुड रिमूव द ऑल अदर रिलेटेड अकाउंट्स फ्रॉम दोज ऑल अकाउंट्स दैट आर बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर एसेट दैट यू आर डिस्पोज ऑफ। ओके, वो एसेट जिसको आप बेचने जा रहे हैं, जिसको आप डिस्पोज ऑफ करने जा रहे हैं, चूंकि अब आप उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जितने भी थ्री अकाउंट्स होंगे, जितने भी अकाउंट्स होंगे, हम उनको भी क्लोज ऑफ करेंगे, खत्म करेंगे, रिमूव करेंगे। ओके सर, सबसे पहले आप याद करें, जब आपने एसेट खरीदा था तो आपने एंट्री पास की होगी एसेट डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट। ओके तो अब चूंकि मैं एसेट को सेल आउट कर रहा हूं तो अब मैं एसेट के अकाउंट को डेबिट के बजाय क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। तो मैं एसेट को क्रेडिट कर दूंगा किससे, उसकी कॉस्ट से, और कॉस्ट कितनी थी उसकी, 100,000। ओके, कॉस्ट कितनी थी एसेट की, 100,000। ओके, जब खरीदा था तो डेबिट किया था, अब चूंकि एसेट को मैं बेच रहा हूं तो अब एसेट को मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट। 65,000 मेरे पास आ गया, उसको मैंने क्या कर दिया, डेबिट। इस ट्रांजेक्शन पे मुझे गेन कितने का हुआ है, 25,000 का। सर गेन की नेचर होती है प्रॉफिट की, बढ़ता है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो गेन हो गया मुझे कितने का, 25,000। 25,000 का मुझे क्या हो गया, गेन। अब याद रखिए, दो अकाउंट्स ऐसे हैं जिसको हमने रिमूव करना है। एक तो कॉस्ट का अकाउंट था जिसको डेबिट किया था जब मैंने खरीदा था, मैंने एसेट को बेचा था, उसको मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ पे कॉस्ट का अकाउंट क्या हो गया, खत्म। एक और अकाउंट बचा हुआ जिसको हम क्या कहते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। चूंकि हम जानते हैं कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो कहाँ जाता है, इनकम स्टेटमेंट, और इनकम स्टेटमेंट जो अकाउंट भी जा रहा होता है वो टेम्पररी अकाउंट है, उसको रिमूव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक ऐसा एसेट जिसकी एक्यूमुलेटेड भी है, सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट करते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम क्या कर रहे होते हैं, क्रेडिट कर रहे होते हैं। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टेम्पररी अकाउंट है, हर साल इनकम स्टेटमेंट में जाता है, वहीं पे क्लोज हो जाता है, उसका फर्दर कोई काम नहीं है। लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो बैलेंस शीट में जाता है, और बैलेंस शीट के अंदर जो अकाउंट भी जाता है वो नॉर्मली क्या है, हमारा परमानेंट अकाउंट रहता है, उसको खत्म करने की जरूरत है। तो एक्यूमुलेटेड जब हमने चार्ज किया था तो एक्यूमुलेटेड को हमने क्रेडिट किया था, अब एक्यूमुलेटेड को हमने रिमूव करना है, खत्म करना है, तो उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट को जैसे ही मैंने डेबिट किया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी मेरी, 60,000। जैसे ही मैंने एक्यूमुलेटेड को खत्म किया तो नाउ वी कैन सी दैट कि हमारा एसेट का डबल एंट्री, डिस्पोजल की डबल एंट्री बैलेंस हो गई है 125,000 से। ओके, 65 प्लस 60, 160 इज 120 प्लस 5, 125,000 से डेबिट हो रहा है और 125,000 क्रेडिट साइड में रखा हुआ। ये हमारी डबल एंट्री बन गई एक एसेट को डिस्पोज ऑफ करने की। तो यहां पर हमने कि चार बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप्स को समझ लिया जिसके थ्रू हम एसेट के डिस्पोजल को रिकॉर्ड कर रहे होंगे। ओके, आइए एक सवाल देखते हैं, मजीद इससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अनस हैज सोल्ड अ मोटर व्हीकल फॉर 8,500। एक एसेट थी जो अनस ने सेल आउट कर दी कितने की, 85,000। सर 85,000 इज योर एसपी, सेल प्रोसीड। अच्छा, यहां पे एक बात याद रखिएगा, जब सिंपल डिस्पोजल का क्वेश्चन होगा, यानी कि आप सिर्फ एसेट को बेच रहे होंगे, एक्सचेंज नहीं कर रहे होंगे, तो सर वहां पर सेल प्रोसीड का वर्ड नॉर्मली एग्जामिनर यूज करता है जितने का आप एसेट बेच रहे होते हैं।
लेकिन अगर आप एसेट को एक्सचेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज का मतलब क्या है, पुराना एसेट देकर आप नया एसेट एक्वायर कर रहे हैं, तो यहां पर क्या होने वाला है कि अब आपको वहां पर जो वर्ड यूज करेगा वो सेल प्रोसीड का वर्ड नहीं होगा, वो ट्रेड इन वैल्यू या ट्रेड इन अलाउंस का वर्ड हो सकता है। ठीक है, ट्रेड इन वैल्यू या ट्रेड इन अलाउंस का वर्ड हो सकता है। कब? जब आप एसेट के अंदर क्या यूज कर रहे हैं। जी हाँ, एसेट क्वेश्चन किस किस का है, एक्सचेंज का। अगर एक्सचेंज का क्वेश्चन है तो सेल प्रोसीड के बजाय ट्रेड इन वैल्यू का वर्ड यूज हो रहा होगा, और अगर सिंपल डिस्पोजल का क्वेश्चन है तो सर वहां पर क्या यूज हो रहा होगा, सेल प्रोसीड का वर्ड। ओके, तो सर एसेट आपने बेच दिया 8,500 का, ही परचेज द मोटर व्हीकल 3 ईयर अगो फॉर 18,000। कह रहे हैं 3 साल पहले हमने इस एसेट को खरीदा था, कितने का, 18,000, यानी कि एसेट की कॉस्ट कितनी आ गई, 18,000, एंड उसकी लाइफ कितनी है, 4 ईयर्स। ही एस्टिमेटेड दैट द रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू भी सवाल के अंदर हम गिवन है कितने की है, 4,000 की। अनदर डेब्टर यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, मेथड यूज करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑन दिस सेल ऑफ मोटर व्हीकल। कह रहे हैं इस एसेट को, मोटर व्हीकल को जब हमने बेचा, इस पे हमें गेन हुआ या लॉस हुआ, ये कैलकुलेट कर दे। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। ओके, सबसे पहले स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन क्या था सर, हमें एसेट की सबसे पहले क्या कैलकुलेट करनी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते वक्त आपने अजम्पशन को लाजमी याद रखना है सवाल के अंदर, कि सवाल में अजम्पशन जो है वो प्रोपोर्शनेट है या फुल ईयर है। ठीक है, यहां पर चूंकि हमसे कहा गया है कि हमने सिंपल एसेट को 3 साल बाद बेच दिया है, ऐसे ही है। यस, ही परचेज 3 ईयर्स अगो फॉर 18,000, इसका मतलब 3 साल बाद हम एसेट को बेच रहे हैं, टोटल उसकी जिंदगी 4 साल की, तो यहाँ पर एक्यूमुलेटेड भी कितने सालों का चार्ज होगा। जी हाँ, एक्यूमुलेटेड भी 3 ईयर का चार्ज होगा। ओके, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पहले देख लेते हैं, 1 साल का कितना आ रहा सर। अगर मैं एसेट की कॉस्ट देखूं यहाँ पर, तो वो आ रही है कितनी, 18,000, माइनस सेल्विस वैल्यू कितनी है उसकी, 4,000, और टोटल लाइफ कितनी है उसकी, 4 ईयर्स। सर 18,000 माइनस 4,000, डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर इज 3,500। दिस इज योर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर 1 ईयर। एज वी आर सेलिंग एसेट आफ्टर 3 ईयर्स, सो वी कैन मल्टीप्लाई इट बाय 3, सो वी विल गेट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ओके, सो 3,500 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 10,500। ओके, दिस इज योर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सर आपने पहला स्टेप अपना कंप्लीट कर लिया, इसमें आपने उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को चार्ज कर लिया। सेकेंड स्टेप में हम क्या कर रहे होते हैं सर, सेकेंड स्टेप के अंदर हम स्टेप नंबर टू, सेकेंड स्टेप में हम एसेट की नेट बुक वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे होंगे, जिसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सर एसेट की कॉस्ट कितनी है, 18,000, उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, 10,500। तो सर आप जानते हैं 7,500 उस एसेट का क्या आ जाएगा, 7,500 विल बी द नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट। ओके सर, नेट बुक वैल्यू कितनी आ गई, 7,500, और हम एसेट को बेच कितने कर रहे हैं, 8,500। सो इट्स मीन दैट वी आर फेसिंग गेन हियर, स्टेप नंबर थ्री। सर नेट बुक वैल्यू है एसेट की कितनी, 7,500, बट सेल प्रोसीड एसेट की कितनी है, 8,500। सो सर वी कैन से दैट 1,000 इज गेन ऑफ फिक्स। ओके, तो हमें यहाँ पर गेन हो गया 1,000 का। सर ये मेरा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ओके सर, चाहे डिस्पोजल एक्सचेंज वाला क्वेश्चन हो या सिंपल डिस्पोजल हो, आपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले आप उस एसेट की एक्यूमुलेटेड निकाल लें, देख लें फुल ईयर अजम्पशन है या प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल तो फिर हमें मंथ के हिसाब से डिविडेंड चार्ज करनी पड़ेगी, जिस साल में खरीदा और जिस साल में बेचा। और इसी तरीके से जब हम बात करते हैं सिंपल डिस्पोजल की, तो सर वहां पर आपने ये स्टेप फॉलो करना है। अगर एक्सचेंज का क्वेश्चन है तो वहां पर भी सेम आप इसी चीज को यूज कर रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन हियर। जी
Students, any question here? You can drop your question in chat box. Okay. Okay, so if we pass double empty here for our just completion of our steps, debit and credit. So what will be the double entry? Sir, we are selling it asset on 8,500. So bank will be debit by 8,500. As we know that accumulated depreciation will be debited, and the accumulated depreciation was 10,500. Asset will be credited because we had sold out the asset. The cost was 18,000 and the gain was 1,000. So we can say here, see here, 19,000 total of debit side and 19,000 total of credit side. Okay, here is another question we have. Rahul purchased a machinery on 1st January 2011 for 64,000. He estimated their useful life 5 years. Residual value is 34,000. Okay. Sold the machine for 41,000 at 31st December 2004. Okay. Straight line method and the business financial year at 31st December. Okay. Sir, we need to make cost account, provision for depreciation account and disposal account. Look, students, as we know that our paper based on MCQs. Okay. So where we do need to make all T accounts, we just need to get answer. Okay. So हम इसको अपने steps से solve करते हैं. Simple, हमने एक asset खरीदा है 1st January 2011 को, जिसको हम sell out कर रहे हैं 31st December 2014 को. यानी कि 2011 में asset हमारे पास रहा है, 2012 में रहा है, 13 में रहा है, 14 में बेचा हमने. ठीक है, 14 के end पे. अब अगर चूंकि यहाँ पर कोई assumption हमें दी नहीं गई कि आया हम straight line method use करें या diminishing balance method use करें. सॉरी, हम इसमें प्रोपोर्शनेट मेथड यूज करें, अजम्पशन यूज करें या हम फुल ईयर अजम्पशन यूज करें. तो सर यहाँ पर फिर हम सिंपली प्रोपोर्शनेट को देख लेते हैं कि सर 2011 में एसेट को हमने यूज किया, 12 में, 13 में, 14 में, 4 साल हमने एसेट को जो है वो यूज किया है और देन उसके बाद बेचा है. तो सर फिर हम यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी जो है वो 4 ईयर्स की चार्ज कर रहे होंगे. तो सर स्टेप वन सबसे पहले accumulated depreciation. As asset purchased on 1st January 2011 and sold out at December 2014, so 2011 12 13 and 14, December 2012 December 2013 December and this is 14 December. Okay, 1, 2, 3 and 4, we need to calculate 4 years accumulated depreciation. So sir, we need to find first depreciation expense for 1 year and cost of asset salvage value divided by life. Okay, what is the cost of asset? The cost of asset is 64,000, their life is 5 years and their residual value is 34,000. Okay, so 64,000 minus 34,000 divided by life, and the life is 5 years, right? Okay, so sir, I think 30,000 divided by 5. So sir, that will be, if we divide 30,000 from 6,000 is your 1 year depreciation. Okay, so 6,000 is your 1 year depreciation and we need to find 4 years depreciation multiplied by 4. So the answer is 24,000. Accumulated depreciation is 24,000. The first step has been done. The second step is
Step number two, we need to find net book value. In the net book value formula is cost minus accumulated depreciation. And the cost is 64,000. Accumulated is 24,000. So, sir, the net book value of the asset is 40,000, right? Step number three, gain slash loss, G slash L. So, the net book value is 40,000. The net book value is 40,000 and sale proceed is, how much is their sale proceed? Sale proceed is 41,000. So gain on disposal is 1,000. Right? This is our gain of fixed asset. Okay, the fourth step is double entry. So assets sold at 41,000 debit, accumulated depreciation will be debited 24,000, asset will be credited by their cost and the cost is 64,000 and gain is 1,000, right? Okay, so this is your fourth step for disposal of fixed asset. Okay, you can make T accounts, you know better how to make T accounts. So we are not making here T accounts because it will take too much time here. We need to discuss more things here. Okay, that's why I'm just going ahead and we are going to discuss our second another concept, and another concept is part exchange. Okay, so part exchange means one asset is going out and the new asset is going in. Okay, एक पुराना एसेट देकर हम नया एसेट एक्वायर करने जा रहे हैं, पार्ट एक्सचेंज, राइट? अच्छा, हमारे जो प्लान होगा आज का वो उसमें डेप्रिसिएशन को हम खत्म करेंगे जल्दी से, उसके बाद फिर हम वी विल डिस्कस इन्वेंटरी एंड देन इंशाल्लाह एक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट. सो वी ट्राई टू कवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ ऑल टॉपिक्स बिकॉज टाइम बहुत ज्यादा शॉर्ट है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर टॉपिक के हर एस्पेक्ट को जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करना. अच्छा, एक टॉपिक हमारा बैड डेट्स भी है, और बैड डेट्स के लिए जो है वो आपके पास जो नंबर आ रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है 0324263585. सो यू कैन ज्वाइन, यू कैन टेक्स्ट ऑन दिस नंबर फॉर लिंक ऑफ बैड डेट टॉपिक. इंशाल्लाह बैड डेट टॉपिक वी हैव रिकॉर्डेड फॉर यू पीपल. सो बैड डेट टॉपिक यू कैन टेक फ्रॉम दैट लिंक. वी विल प्रोवाइड यू लिंक फॉर टॉपिक बैड डेट. यू कैन टेक दैट टॉपिक फ्रॉम link. You will send you link. You just text on 0324263585. You just text us WhatsApp. This is our WhatsApp number. Okay. So, आप इस नंबर पे टेक्स्ट करके बैड डेट के टॉपिक को आप जो है वो कंप्लीट रिसीव कर सकते हैं. Okay. We will provide you link and you can through link you can take bad debt topic. Okay. So depreciation हम कंप्लीट कर लेंगे. Bad debt आपको लिंक के थ्रू मिल जाएगा और then फिर हम inventory or accruals and payment को देख लेंगे. So we will try our all core areas of our syllabus. Okay, let's go ahead. Part exchange का concept बड़ा clear है कि सर एक पुराना asset हम देंगे और अपना नया asset हम ले लेंगे, ठीक है? यानी कि पुराना देके नया asset हासिल कर रहे हैं. On 30th November 2014, Yannick purchased a new motor vehicle at a total cost of 35,000. He paid for the vehicle with a check of 28,000 and part exchanged his old vehicle for the balance. The old vehicle had originally cost 26,000 and had been depreciated by 20,000. अब यहाँ पर क्या हो रहा है सर? आप एक नई मशीनरी परचेज कर रहे हैं और इसके अगेंस्ट में आप जिसकी टोटल कॉस्ट 35,000 जो नई मशीन है, आप एक चेक दे रहे हैं 28,000 का और रिमेनिंग के अगेंस्ट आप अपना पुराना एसेट दे रहे हैं. तो अगर मैं बड़ा सिंपल वे में देखूं तो मेरे एसेट की कॉस्ट कितनी है? 35,000. ओके, 35,000 जो है वो मेरे एसेट की कॉस्ट है. इस 35,000 को पूरा करने के लिए मैंने 28,000 का क्या दे दिया है? चेक दे दिया है. ओके, सो 35,000 माइनस 28,000 तो 7,000 जो बच रहा है, जो बैलेंस है,
ये मेरी क्या आ गई, ट्रेड इन वैल्यू। सर आप इसको ट्रेड इन वैल्यू क्यों कह रहे हैं? ट्रेड इन वैल्यू इसलिए कह रहे हैं कि केस किस चीज का है, एक्सचेंज का क्वेश्चन है, और एक्सचेंज के क्वेश्चन में जितने का पुराने एसेट को, जितने का सामने वाली पार्टी आके पुराने एसेट को वैल्यू कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेड इन वैल्यू, दैट इज कॉल्ड ट्रेड इन वैल्यू। ओके सर, 35,000 वाली चीज में सिर्फ 35,000 का चेक दे रहा हूँ, इसके अलावा मैं अपना पुराना एसेट भी दे रहा हूँ और 35,000 वाली चीज एक्वायर कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है 28 का जो आपने चेक दिया और बकिया कितने बजे, 7, तो 28 का चेक दे दिया और बाकी जो 7 बजे उसको आप कैसे पे कर रहे हैं, अपने पुराना एसेट देकर। तो इसका मतलब है सामने वाली पार्टी ने आपके पुराने एसेट को कितने का कंसीडर कर रही है, 7,000 का। यही उसको क्या कहलाता है, ट्रेड इन वैल्यू या ट्रेड इन अलाउंस। ओके अब जो पुराना एसेट था उसकी कॉस्ट थी 26,000 और उसका एक्यूमुलेटेड वैल्यू था 20,000। अब चाहे सिंपल डिस्पोजल का क्वेश्चन हो या पार्ट एक्सचेंज का क्वेश्चन हो, आपके स्टेप सेम रहेंगे। ओके स्टेप नंबर वन क्या था सर, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उस एसेट का जिसको आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। सर वो मुझे गिवन है सवाल के अंदर, 20,000 हैव बीन डेप्रिशिएटेड बाय 20,000। ओके सेकेंड स्टेप, हम उसकी क्या कैलकुलेट कर रहे होते हैं, नेट बुक वैल्यू। सर नेट बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, एसेट की कॉस्ट कितनी है 26,000 और उसकी एक्यूमुलेट कितनी है 20,000, तो नेट बुक वैल्यू कितनी आ गई, 6,000। नंबर थर्ड, गेन या लॉस। सर मुझे क्या नजर आ रहा है कि मेरे 6,000 वाली चीज की सामने वाली पार्टी ने कितनी वैल्यू लगाई है, 7,000, तो मुझे कितने का फायदा नजर आ रहा है, 1,000 का मुझे गेन भी नजर आ रहा है। ओके तो ये तो हो गया गेन। अब अगर मैं इसकी डबल एंट्री बनाऊंगा आपके सामने, सर अब यहां पर मैं बैंक डेबिट नहीं कर सकता क्योंकि मैं कैश रिसीव नहीं कर रहा बल्कि मैं न्यू एसेट लेकर आ रहा हूं, तो सर न्यू एसेट अपनी कॉस्ट से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 35,000। पुराने एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को खत्म करने के लिए हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, जो कि कितनी थी, 20,000। इस ओल्ड एसेट चूंकि अब मुझसे जा चुका है, तो ओल्ड एसेट को मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट, जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 26,000, राइट। मुझे इस पे गेन कितने का हुआ जी, मुझे गेन कितने का हुआ, 1,000 का जी, मुझे गेन कितने का हुआ, 1,000 का। यस सर गेन हो गया 1,000 का। अच्छा चूंकि मैंने पेमेंट भी किए और चेक के थ्रू किए, तो मैं बैंक भी क्या करूंगा, यहां पर क्रेडिट करूंगा। So if you see here, 26 सर, आर डबल एंट्री इज बैलेंस बाय 55,000। तो पुराने सिंपल डिस्पोजल और एक्सचेंज के केस में क्या डिफरेंशिएट हुआ सर, उसमें हम बैंक को डेबिट करते हैं, यहाँ पे हम न्यू एसेट को डेबिट करेंगे, उसमें हमें पेमेंट करना नहीं पड़ रही होती बल्कि पेमेंट रिसीव करते हैं, यहाँ पे हमें चूंकि हम पुराना एसेट देके नया ले रहे हैं तो नॉर्मली हमें पैसे पे करने पड़ते हैं, तो बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है अच्छा ये याद रखिए, सवाल में कभी कभी वो आपको पेमेंट के अमाउंट नहीं बताता, तो सर आप पेमेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे तो उसने बता दिया कि 28,000 का चेक दिया हमें, पेमेंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बैंक की फिगर, चूंकि नॉर्मली हम पेमेंट कर ही रहे होते हैं इसलिए बैंक क्रेडिट होता है। हाँ कोई एक्सेप्शनल केस ही होगा जिसमें आपके पुराने एसेट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो और जो नया एसेट आप ले रहे हैं वो कम हो, तो फिर बैंक आपका क्रेडिट के बजाय क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि अब आप पैसा रिसीव करने जा रहे हैं। ओके तो सर न्यू एसेट की जो वैल्यू होगी माइनस ट्रेड इन अलाउंस, ट्रेड इन अलाउंस करें या ट्रेड इन वैल्यू करें, जैसे न्यू एसेट की वैल्यू कितनी है, 35,000, और हम जानते हैं ट्रेड इन वैल्यू भी मैंने पीछे कैलकुलेट की थी कितनी थी, 7,000। तो सर देखें 28,000 अभी भी आ रहा है, सर आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं अगर आपको गिवन ना हो। सर ये था पार्ट एक्सचेंज का क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन मैं जो टी अकाउंट्स थे उसकी यहाँ पर स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, इफ यू वांट टू सी यू कैन टेक स्क्रीनशॉट हियर, नो इशू। ओके ओके
Another most important question, as we are doing practice to pass, so जितने questions हम यहाँ पर करेंगे उतना हमारा ये session beneficial होगा. मैं साथ साथ कोशिश कर रहा हूँ कि आपके concepts को भी clear किया जाए और आपको जो है वो question भी solve कराया जाए. और इसके लिए मैं आपको recommend करूँगा, हम तबानीज e-academy, हमारे YouTube पे channel मौजूद है तबानीज e-academy के नाम से, उसको भी आप subscribe कर सकते हैं. उस पे आपको different तरह के lectures और भी मिल जाएंगे. जो मैं आपको बैड डेट का कह रहा हूँ वो भी आपको वहां मिल जाएगा तबानी जी अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे. और आप इस नंबर के थ्रू भी जो है वो हमें एक्सेस कर सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पे शो रहा है नीचे स्लाइड पे, 0324 वाला. ओके ओके सर, एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट ऑफ अ बिजनेस फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2005 वाज एज फॉलोस. अब याद रखें डेफिनेशन हमेशा ईयर एंड पे कैलकुलेट कर रहे होते हैं. तो हमें एक फ्री अकाउंट दिया जा रहा है जिसमें आपका जब साल शुरू होता है, जाहिर सी बात है अगर मेरा ईयर एंड हो रहा है 31st December 2005 पे, अगर मेरा ईयर एंड हो रहा है 31st December 2005 पे, तो सर मेरा ईयर स्टार्ट कब होगा? January 1st 2005 एंड द ईयर एंड इज December 2005. ओके, जनवरी फर्स्ट को मेरे पास कितने के एसेट मौजूद थे? 2,40,000 के. ओके, फिर जनवरी गुजरा, फरवरी, मार्च, मार्च में मैंने एक एसेट को डिस्पोज ऑफ कर दिया 60,000 वाले, वो जिसकी कॉस्ट कितनी थी 60,000. चूंकि ये टी अकाउंट किसका बना हुआ है? कॉस्ट का, तो सर इसके अंदर जो डेबिट साइड पे फिगर्स लिखी हुई है वो भी कॉस्ट है और जो क्रेडिट साइड पे लिखी हुई है वो भी कॉस्ट ऑफ एसेट ही है. सर जैन फेब मार्च, मार्च में मैंने एक एसेट को क्या कर दिया? सेल आउट कर दिया, डिस्पोज कर दिया. फिर अप्रैल, मई, जून, जैसी मैं जून में पहुंचा तो जून पे मैंने एक एसेट को एक्वायर किया जिसकी कॉस्ट कितनी थी 1,60,000. फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक मैं पहुंच गया और मैंने कोई और ट्रांजेक्शन नहीं की, तो सर मेरा यहाँ पे क्या आ चुका है? ईयर एंड आ चुका है. आपसे कह रहे हैं द कंपनी पॉलिसीज टू चार्ज डेप्रिसिएशन 20% पर एनम स्ट्रेट लाइन बेसिस. अब परसेंटेज आ चुकी है और स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो मुझे पता है कि अगर परसेंटेज स्ट्रेट लाइन में आ जाए तो मुझे सिंपल उसकी कॉस्ट के ऊपर अप्लाई करना होता है, मैं इसमें कोई इशू की बात नहीं है. और आगे देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा है, विद प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन इन द ईयर परचेज एंड डिस्पोजल. कह रहा है अजम्पशन कौन सी यूज करनी है? प्रोपोर्शनेट की अजम्पशन यूज करनी है. इसका मतलब है मुझे मंथली बेसिस पे डेप्रिसिएशन को चार्ज करना पड़ेगा. रिक्वायरमेंट क्या है? What should be the depreciation charge for the year? कह रहे हैं सर आपके एक साल की depreciation expense क्या होगा 2005 का. बड़ा सिंपल सा रिक्वायरमेंट है. देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता अगर assumption फुल ईयर की होती. अगर assumption फुल ईयर की होती तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, लेकिन सर चूंकि यहाँ पर assumption क्या आ चुकी है? प्रोपोर्शनेट. सर प्रोपोर्शनेट का मतलब ये है कि अब जो है वो आपका जो है वो काम थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, क्योंकि मुझे अब मंथली बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, यानी कि जितने मंथ्स मैंने एसेट को यूज किया उतने मंथ्स की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है. अगर देखिए फुल ईयर अजम्पशन होती ना यहाँ पे, तो बहुत ही आसान था. ये जो मेरे पास 3,40,000 बैलेंस आ रहा है ना मेरा सीडी जो एंडिंग पे पड़ा हुआ है, सिर्फ इस पे 20% अप्लाई करता मेरा आंसर आ जाता, क्योंकि मैं जानता हूं कि फुल ईयर में जो एसेट हम बेच चुके होते हैं उन पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी होती. और 340 एक ऐसा अमाउंट है जिसके अंदर से जो एसेट बिक चुके वो शामिल नहीं है, जो एसेट हमने एक्वायर किए वो इसके अंदर इंक्लूडेड है. तो सर सिंपल 340 पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाती, लेकिन चूंकि यहाँ पर प्रोपोर्शनेट अजम्पशन है तो सर मैं सिंपल 340 पे परसेंटेज अप्लाई नहीं कर सकता. मुझे यहाँ पर डेप्रिसिएशन हर एसेट की, चाहे वो एसेट बिका हो, डिस्पोज ऑफ हुआ हो या एक्वायर हुआ हो, उसके हिसाब से उसकी डेप्रिसिएशन को चार्ज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ मंथ्स यूज्ड. इसके लिए बेहतर ये होता है कि यहाँ पर जिस तरह मैंने ऊपर टाइमलाइन बनाई है, आप यहाँ पर एक टाइमलाइन छोटी सी क्रिएट कर लें. देखिए January 1st 2005, इस दिन आपके पास कितने के एसेट मौजूद थे? 2,40,000 के. ओके, और ये चेंज हो गए मार्च में जाके. मार्च में आपने क्या किया? मार्च में आपने एसेट बेच दिया जिसकी कॉस्ट कितनी थी 60,000, ये आपने सेल आउट कर दिया. तो 240 माइनस 60 तो कितने के एसेट बचे? 1,80,000 के एसेट बच गए मार्च की डेट में, क्योंकि मार्च में हमने एसेट को
बेच दिया। 31 मार्च की बात हो रही है तो मार्च जैसे बाद इंक्लूड हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ सर कि मार्च के बाद अप्रैल मई जून, जून में आके आपने एक एसेट एक्वायर किया जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 1,60,000। तो सर अगर मैं 1,60,000 180 में ऐड करता हूँ, ओके 1,60,000 प्लस 180, तो सर आंसर क्या आएगा मेरे पास, 2,40,000, सॉरी 3,40,000, 180,000 प्लस 160, तो 3,40,000 के एसेट मेरे पास आ चुके हैं। ओके तो ये डिफरेंट फिगर्स आ गई हैं। चूंकि प्रोपोर्शनेट अजम्पशन है तो मुझे मंथली बेसिस पे डेप्रिसिएशन को चार्ज करना पड़ेगा। अब जब जनवरी 1 से दोबारा बात शुरू कर रहा हूँ, जनवरी 1 से मेरे पास 2,40,000 के एसेट्स मौजूद थे। 2,40,000 के जो एसेट्स मौजूद थे, जो कि कितने अरसे तक मेरे पास रहे, जनवरी फरवरी मार्च, 3 मंथ्स तक एसेट मेरे पास रहे। तो सर इस 2,40,000 पे कितने महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी? जी हाँ, 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। ओके 3 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 20%। सर ये जो 2,40,000 है इस पे मेरे 20% अप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो 3 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 2,40,000 पे। फिर मार्च पे जाके ये एसेट कितने के हो गए, 1,80,000। मार्च के बाद अप्रैल, मार्च को मैं 180 के लिए नहीं गिनूंगा क्योंकि 31 मार्च को ट्रांजेक्शन हुई है, तो मार्च जो है वो 2,40,000 के लिए शामिल हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास 180 के एसेट बचे हुए हैं, थे 240 के, 60 के मैंने बेच दिए, तो बचे कितने, 180 के। 180 कब तक रहे, मार्च अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स तक जो है वो मेरे पास यहाँ पर एसेट्स रहे। इसका मतलब पता चला कि मुझे इस 180 के ऊपर भी कितने मंथ्स की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, 3 मंथ्स की। ओके देन सर 340,000 के एसेट मेरे पास हो गए क्योंकि मैंने क्या हो गया, एसेट को एक्वायर कर लिया। और सर ये कब तक मेरे पास रहे, दिसंबर 2005 तक एसेट मेरे पास रहे, यानी कि 6 मंथ्स तक एसेट मेरे पास रहे। तो 6 मंथ्स के लिए फिर 20% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, तो सर यूं इन तीनों को जब मैं ऐड कर लूंगा तो मेरे पास इस साल की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मंथली बेसिस पे डेप्रिसिएशन को हम यहाँ पर चार्ज कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज प्रोपोर्शनेट अजम्पशन। तो मुझे मंथली बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। 2,40,000 मेरे पास 3 महीने तक रहे, तो 2,40,000 में 3 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। सर आइए चार्ज करते हैं, 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 0.22, यानी कि 0.20% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12। तो सर 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12। ओके तो 1,200 जो है वो मेरे पास 2,40,000 सर 12,000 जो है वो मेरे पास आ गई है 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन। ओके देन 1,80,000, 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12, तो 9,000 जो है वो मेरी इन 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन आ चुकी है। ओके लास्ट 3,40,000 मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, सो 34,000 मेरे पास ये आ चुका। तो 34,000 प्लस 9,000 प्लस 12,000 सर 55,000 जो है वो मेरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ चुका है फॉर क्वेश्चन 10।
ये मैंने सॉल्व कर लिया यहाँ पर। तो सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर स्टूडेंट्स में जो है वो मिस्टेक्स करते हैं, तो मैंने यहाँ पे इसलिए सॉल्व भी इसको करा दिया। तो सर ये है प्रोपोर्शनेट अजम्पशन के थ्रू एक अच्छा सवाल हमने यहाँ पर देखा। इफ यू वॉन्ट टू आस्क एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन। जी इफ यू वॉन्ट टू आस्क एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क। ओके फाइन। ओके लेट्स गो अहेड एंड वी आर गोइंग टू वन लास्ट क्वेश्चन एंड देन वी विल डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट विल बी Change in estimate. Okay. Okay. Let's start with this. First, we just understand this topic. Then we will solve one question for this, and we will cover. We will done with your definition topic, and then we will start our new topic. So, sir, it's very important. एक हम यहाँ पे concept discuss करने जा रहे हैं. Okay. तो हम पहले इसको देख लेते हैं. Then उसके बाद हम अपने further questions की तरफ चलेंगे. Change in estimates or policy. Okay, sir. याद रखें. जब हम एसेट की बात करते हैं उसकी डेप्रिसिएशन की, तो सर दो चीजें बड़ी एस्टिमेटेड होती है वहां पर, लाइफ ऑफ द एसेट और इसकी सेल्वेज वैल्यू। क्योंकि हमें नहीं पता कि एसेट कितने साल चलेगा, ये भी एस्टिमेटेड होता है, और इतने साल चलने के बाद एसेट कितने का सेल आउट हो जाएगा, यानी कि सेल्वेज वैल्यू वो भी क्या होती है सर, एस्टिमेटेड होती है। तो सर एस्टिमेशन चेंज हो सकते हैं, राइट। तो सर याद रखिए डेप्रिसिएशन के ऊपर चार कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे अभी, एसेट की कॉस्ट, उसकी लाइफ, उसकी सैलवेज वैल्यू, उसका मेथड। इन चारों में से, इन चारों कंपोनेंट्स ऑफ डेप्रिसिएशन में से कोई एक कंपोनेंट भी चेंज होगा तो आपकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। तो सर आइए इसी टॉपिक को हम समझने जा रहे हैं कि अगर एसेट की कॉस्ट या उसकी सैलवेज वैल्यू या उसकी लाइफ या उसका मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी कि चारों में से कोई एक कंपोनेंट भी चेंज होता है, चारों में से कोई एक कंपोनेंट भी चेंज होता है, तो सर हमारी डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगी, हमने यहां पर ये सीखना है। एग्जामिनर ने कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे तो इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट समझा कि इस एरिया को भी टच किया जाए। नॉर्मली स्टूडेंट्स को छोड़ के जाते हैं, समझते हैं कि F3 का पार्ट है, नहीं सर F3 में तो बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पे F2 के अंदर भी इसको एग्जामिन किया जाता है। ओके सो अब चाहे एसेट की लाइफ तब्दील हो, चाहे उसकी कॉस्ट तब्दील हो, चाहे उसकी सैलरी वैल्यू तब्दील हो, या उसकी जो है वो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन तब्दील हो, चारों में से कोई भी चीज सर तब्दील हो जाए, हम उसके सॉल्यूशन का एक ही तरीका आपको बता रहे हैं, उसको आपने जो है ना वो यूज करना है, ठीक है। एसेट की कॉस्ट तब्दील हो जाए, सैलरी वैल्यू तब्दील हो जाए, मेथड तब्दील हो जाए, लाइफ तब्दील हो जाए, कुछ भी तब्दील हो जाए सर, किसी तरह का भी कोई चीज तब्दील हो जाए, हम उसकी डेप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर। ओके आइए इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल एक एसेट था, उसकी कॉस्ट थी सर $20,000, ओके, और लाइफ थी एसेट की 5 इयर्स, ओके, और उसकी सेल्वेज वैल्यू थी SV जो थी उसकी वो 2000 थी, ओके। आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर हैव बीन इंकर्ड, आफ्टर 3 इयर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर हैव बीन इंकर्ड, रिक्वायरमेंट क्या है आपका, व्हाट विल बी द
What will be the depreciation expense before and after capital expense? इस एग्जाम्पल के थ्रू हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सर यहां पर मैं कॉस्ट को तब्दील कर रहा हूं, मैं आपको ये सिखा दूंगा अभी इंशाल्लाह कि चाहे सैलरी तब्दील हो, चाहे लाइफ तब्दील हो, या मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कुछ भी तब्दील हो, मेथड एक ही रहेगा। सर याद रखें, जब भी इन चारों कंपोनेंट्स में से कोई भी एक कंपोनेंट तब्दील होगा, आपने अपना जो प्रोसीजर है क्वेश्चन को वो सेम रखना है, सॉल्यूशन सेम रखना है। पहला तरीका ये, पहला स्टेप ये है कि आप उस एसेट की नेट बुक वैल्यू निकालेंगे जिस दिन चेंज आ रहा है। देखें चेंज कब आ रहा है, आफ्टर 3 ईयर्स चेंज आ रहा है, तो मुझे 3 सालों के बाद की क्या निकालनी है पहले इसकी नेट बुक वैल्यू। और मैं जानता हूं कि नेट बुक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है सर, नेट बुक वैल्यू स्टैंड इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एसेट की कॉस्ट कितनी है 20,000 सर, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सर मैं इसकी पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल लेता हूँ, फिर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा 3 से, तो मेरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी आ जाएगी। सर एसेट की कॉस्ट थी 20,000, उसकी सैलवेज वैल्यू कितनी है 2,000, और उसकी लाइफ कितनी है 5 ईयर्स। सर आपके एसेट की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितने की आ रही है, थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड। ये तो मेरा पहला रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट हो गया। व्हाट विल बी द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बिफोर एंड आफ्टर, तो बिफोर चेंज इन कॉस्ट आपकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितने का है 3,600। अब चूंकि तब्दीली आ रही है कितने सालों बाद, आफ्टर 3 ईयर्स, सो मल्टीप्लाइड बाय 3, सो आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगा 10,800। 10,800 माइनस 20,000 सर 9,200 आपकी क्या आ गई, नेट बुक वैल्यू 9,200। ओके तो सर याद रखें, जब भी चेंज इन एस्टिमेट का सवाल आप करेंगे तो सबसे पहले आपने उसकी क्या निकाल लेनी है, नेट बुक वैल्यू उस दिन के जिस दिन तब्दीली आ रही है। आफ्टर 3 ईयर्स आ रही है, मैंने आफ्टर 3 ईयर्स की बात की, क्या निकाल ली, नेट बुक वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब याद रखिए, जब भी चारों में से कोई भी पॉइंट तब्दील हो जाए, सर आपने अब जब नई डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है ना सर, उसमें आप जो लाइफ यूज करेंगे डेप्रिसिएशन के लिए, वो रिमेनिंग लाइफ यूज करेंगे, वो कितने यूज करेंगे रिमेनिंग। देखिए टोटल लाइफ थी 5 साल, तब्दीली आ रही है 3 साल बाद, तो रिमेनिंग लाइफ कितनी रह गई 2 ईयर्स। तो अब जो मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करूंगा आफ्टर चेंज इन एस्टिमेट, आफ्टर चेंज इन कॉस्ट, तो सर अब जो मैं रिमेनिंग लाइफ को यूज करते हुए मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कैलकुलेट कर रहा हूँ, कैसे सर आइए देखते हैं। अब देखें नेट बुक वैल्यू कितनी आ गई 9,200, और कैपिटल एक्सपेंस कितने का हुआ, हम जानते हैं कि कैपिटल एक्सपेंस एक ऐसा एक्सपेंस होता है जो कॉस्ट ऑफ एसेट के अंदर क्या आ जाता है, ऐड हो जाता है। तो ये नई कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास, सर कितने का एक्सपेंस हुआ है 1,500 का, तो सर 1,500 का जैसी, तो 10,700 जो है वो आपकी न्यू कॉस्ट यहाँ पर बन जाएगी एसेट की। ठीक है, 9,200 प्लस 1,500 तो 10,700 आपकी न्यू कॉस्ट आ गई। तो सर पहला स्टेप ये हुआ कि नेट बुक वैल्यू निकालेंगे, सेकंड स्टेप ये हुआ कि जो चेंज होगा उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, चेंज क्या है एसेट के ऊपर, कैपिटल एक्सपेंस हुआ 1,500 का। अब लाइफ जो है वो आपने कौन सी यूज करनी है, रिमेनिंग। अच्छा सैलरीज वैल्यू के बारे में याद रखिए, सैलरीज वैल्यू के बारे में याद रखिए कि अगर तो सैलरीज वैल्यू खुद वो नहीं दे रहा है तो आप फिर उसको यूज करेंगे, और अगर सैलरीज वैल्यू के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा तो जो पुरानी सैलरीज वैल्यू होगी आप उसी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो सर न्यू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अब एसेट की न्यू कॉस्ट कितनी है 10,700, उसकी सैलरीज वैल्यू के बारे में कुछ नहीं कहा तो आप क्या यूज करेंगे, वही सेम जो पीछे गिवन थी 2,000, और नीचे का यूज करेंगे रिमेनिंग लाइफ, और रिमेनिंग लाइफ कितनी है 2 ईयर्स। तो याद रखिए एसेट की चाहे कॉस्ट तब्दील हो, चारों में से कोई भी फैक्टर तब्दील हो, अब जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो सर उसके नीचे क्या रखेंगे, आप रिमेनिंग लाइफ ही रखेंगे हमेशा, ये याद रखिएगा। न्यू डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए हमेशा रिमेनिंग लाइफ को यूज करेंगे, 10,700
माइनस 2000 डिवाइडेड बाय 2, तो सर नई डेफिनेशन मेरे पास आ रही है 4350 की, ये मेरे पास न्यू डेफिनेशन आ गई आफ्टर चेंज इन कॉस्ट। ओके तो सर स्टेप सेम रहेंगे, कुछ भी तब्दीली आए आपने इसी चीज को जो है ना वो यूज करना है कि पहले आप नेट बुक वैल्यू निकालेंगे जिस दिन तब्दीली आई है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कॉस्ट तब्दील नहीं होता, सैलरी जल्दी बस तब्दील हो जाती, तो अब 9200 को मैं यूज कर लेता कॉस्ट के तौर पर, जो सैलरी जल्दी नहीं देता, फॉर एग्जाम्पल सैलरी जल्दी बोलता 1500, तो सैलरी जल्दी माइनस करता 1500, रिमेनिंग लास्ट 2 years की यूज करता। यानी कि दो बातें तो फिक्स है, नेट बुक वैल्यू निकलेगी और रिमेनिंग लाइफ यूज होगी, ठीक है, ये दो बातें फिक्स है अपनी जगह पर, चाहे चारों में से कोई भी पॉइंट तब्दील हो जाए। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने डेप्रिसिएशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश की, कुछ प्रैक्टिस मटेरियल होगा वो इंशाल्लाह मैंने जो आपको नंबर दिया इसको आप यहाँ पे आप टेक्स्ट करके, यहाँ हम आपको लिंक शेयर कर देंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप का, हो सकता है आपके पास लिंक शो भी हो रहा हो, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शो हो रहा होगा तो वहां पर जो है वो आप उसको क्लिक करके उस ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं आप, ठीक है। जैसे आप पार्ट बन जाएंगे तो वहाँ पे मजीद प्रैक्टिस मटेरियल को हम वहाँ पर आपको प्रेजेंट कर देंगे, आपसे शेयर कर लेंगे प्रैक्टिस मटेरियल और हम फिर उसको मजीद देख रहे होंगे। सर सेकंड टॉपिक की तरफ चल रहे हैं अपने, और सेकंड टॉपिक वो टॉपिक है जिसमें अक्सर स्टूडेंट बहुत सारी गलतियां कर रहे होते हैं कॉन्सेप्ट्स की, और वो सिर्फ मसला क्या होता है कि क्वेश्चन को बहुत केयरफुली नहीं पढ़ रहे होते हैं जिसकी वजह से वो गलतियां कर रहे होते हैं। एंड द सेकंड टॉपिक इज एक्रूअल्स एंड प्री पेमेंट्स। सर सबसे पहले हम एक्रूअल्स को समझ लेते हैं और उसके बाद फिर हम प्री पेमेंट की बात करेंगे। देखिए एक्रूअल वर्ड जो है वो दो चीजों के साथ हम यूज कर सकते हैं, एक्रूअल एक्सपेंस और एक्रूअल इनकम। एक्रूअल एक्सपेंस को जब हम देखते हैं तो सर एक्रूअल एक्सपेंस का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा एक्सपेंस जो इनकर्ड हो चुका है लेकिन आपने अभी तक पे नहीं किया, यानी कि आपके लिए क्या सेंस बना रहा होता है, वो लाइबिलिटी का सेंस बना रहा होता है, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल रेंट है, एक्रूअल रेंट एक्सपेंस लिखा हुआ है, इसका मतलब है ऐसा रेंट एक्सपेंस जो इंकर्ड हो चुका है लेकिन आपने अभी तक पे आउट नहीं किया, तो ये आपके ऊपर क्या खड़ी हुई है, लाइबिलिटी खड़ी हुई है, ठीक है। स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, आप क्वेश्चन बॉक्स आपके पास गिवन है, चैट बॉक्स गिवन है, आप उसको यूज करते हुए क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, राइट। ओके सो एक्रूअल का वर्ड जो है वो नॉर्मली लाइबिलिटी के सेंस में यूज हो रहा होता है, लेकिन अगर इसको हम कंप्लीट वे में अंडरस्टैंड करें तो एक्रूअल अगर एक्सपेंस के साथ लगा हुआ है तो इसका मतलब है ऐसा एक्सपेंस जो इंकर्ड हो चुका है लेकिन हमने अभी तक पे आउट नहीं किया, लाइक एक्रूअल रेंट एक्सपेंस, राइट, एक्रूअल रेंट एक्सपेंस, ऐसा रेंट जो इंकर्ड हो चुका है लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किया। इसी तरीके से हम जानते हैं अकाउंटिंग टू मूड्स पे चलती है, अगर मैं किसी चीज को अपना एक्रूअल एक्सपेंस कह रहा हूं तो वो किसी दूसरे के लिए एक्रूअल इनकम, क्योंकि मैं जानता हूं अकाउंटिंग में एक बंदे का एक्सपेंस दूसरे बंदे की क्या हो जाती है, इनकम हो जाती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपने शॉप से बुक्स बाय की तो शॉपकीपर को जो आपने पैसे दिए आपसे तो एक्सपेंस हो गया, लेकिन जो शॉपकीपर के लिए हुआ वो क्या बन गया, उसका इनकम। तो एक पार्टी के लिए एक्सपेंस, दूसरी पार्टी के लिए वो चीज क्या बन जाती है, इनकम। सेम इसी तरीके से एक पार्टी के लिए एक्रूअल एक्सपेंस तो दूसरी पार्टी के लिए एक्रूअल इनकम। अगर हम टीनेंट और ऑनर की बात करें घर के, तो घर के जो मालिक मकान है ऑनर है उसके लिए एक्रूअल इनकम का वर्ड यूज होगा, और जो किराएदार है जो टीनेंट है उसके लिए एक्रूअल एक्सपेंस का वर्ड यूज होगा, क्योंकि किराएदार रह रहा है, उसने फॉर एग्जाम्पल 10 तारीख हो चुकी है मंथ की बट उसने अभी तक रेंट पे नहीं किया, तो सर उसके ऊपर एक लाइबिलिटी खड़ी हुई है रेंट पे करने की, उस लाइबिलिटी को हम क्या कहेंगे, एक्रूअल रेंट एक्सपेंस। और इसी तरीके से अगर हम ऑनर ऑफ द हाउस की बात करें, ऑनर ऑफ द हाउस के लिए वो क्या बन जाएगा, एक्रूअल रेंट इनकम, ऐसी इनकम जो इंकर्ड हो चुकी है लेकिन अभी तक आपको रिसीव नहीं की, रिसीवेबल है, और रिसीवेबल हमारे लिए क्या होता है सर, एसेट होता है। इसीलिए हम याद रखें कि एक के लिए एक्रूअल एक्सपेंस, दूसरे के लिए एक्रूअल इनकम, एक्रूअल एक्सपेंस लाइबिलिटी और एक्रूअल इनकम आपकी क्या है, एसेट है। और दोनों चीजें सर हम कहां पर जाके चार्ज करते हैं, बैलेंस शीट के अंदर चार्ज कर रहे होते हैं, करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट्स के अंदर। ओके अब सर प्री पेमेंट्स को देख लेते हैं, ठीक है, प्री पेमेंट्स प्रीपेड एक्सपेंस और प्रीपेड इनकम। प्री पेमेंट का वैसे सिंपल मतलब क्या है कि सर ऐसा एक्सपेंस जो मैंने पहले से पे कर दिया किसी को,
ऐसी अमाउंट जो मैंने किसी को एडवांस दे दिए, तो अगर मैंने पे कर दिया एडवांस तो मेरे लिए प्रीपेड है, एसेट है, और जिसने रिसीव किया है उसके लिए क्या बन जाएगा, एडवांस रिसीव उसके लिए क्या बन जाएगी, लायबिलिटी, क्योंकि उसने जो रिसीव किया अमाउंट उसके अगेंस्ट अब उसको कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक कैटरिंग का बिजनेस है, उसको हम एडवांस पे करते हैं तो हमने पे किया, हमारे लिए प्रीपेड, हमारे लिए एसेट है, लेकिन जो कैटरिंग वाले ने हमसे रिसीव किया उसके लिए वो क्या बन जाएगा, प्रीपेड इनकम या एक्रूड इनकम या ऐसी इनकम जो उसने अभी तक अर्न नहीं की, उसके पास तो आ चुकी है, इसको हम अनअर्न का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो। तो सर ये लाइबिलिटी है हमारी, अगर हमने किसी से एडवांस पैसे रिसीव किए हैं और इसके अगेंस्ट अब हमने जो है वो कोई फंक्शन परफॉर्म करना है, तो सर हमारे लिए लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट बनेगा। आइए जरा एक्रूअल की पहले डबल एंट्रीज को थोड़ा सा देखते हैं। एक्रूअल एक्सपेंस अगर लगता है तो हम जानते हैं लाइबिलिटी का सेंस बनाता है, ठीक है, और रेंट पेबल के नाम से बैलेंस शीट में लाइबिलिटी चार्ज हो जाएगी। इसी तरीके से अगर इनकम की बात करें तो एक्रूअल रेंट इनकम का मतलब ऐसी इनकम जो मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुई, मेरे लिए एक्रूअल रेंट इनकम जो है वो मेरे लिए रेंट रिसीवेबल का काम करेगी, और रिसीवेबल मेरा क्या होता है, एसेट जो कि बैलेंस शीट में जाके चार्ज होगा करंट एसेट्स के अंदर। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने एक हाउस रेंट पे दिया हुआ, मैं ऑनर ऑफ द हाउस हूँ, ठीक है, मैंने जैसी 30 डेज कंप्लीट हुए तो मैंने चूंकि अपना घर दिया हुआ था, 10 30 डेज सामने वाली पार्टी ने मेरे घर को यूज किया था, मेरी इनकम तो बन चुकी है, ठीक है, लेकिन चूंकि वो अभी तक रिसीव नहीं हुई तो इसलिए देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रेंट रिसीवेबल को डेबिट कर रहा हूँ और रेंट इनकम को क्रेडिट कर रहा हूँ। क्योंकि आप जानते हैं सर, आप जानते हैं एक बात के अकाउंटिंग में दो अजम्पशंस हैं, दो अजम्पशंस कौन कौन सी हैं, एक कैश बेस अजम्पशन है और एक एक्रुअल बेस अजम्पशन है। हम कैश बेस अकाउंटिंग भी करते हैं और एक्रुअल बेस अकाउंटिंग भी करते हैं। कैश बेस अकाउंटिंग क्या होती है कि कैश रिसीव किया तो इनकम चार्ज करेंगे, कैश पे किया तो एक्सपेंस चार्ज करेंगे, लेकिन एक्रुअल बेस इनकम क्या होती है कि सर हमने सर्विसेज को इंपॉर्टेंस देनी होती है, कि अगर हमने सर्विसेज प्रोवाइड कर दिए तो हम इनकम चार्ज करेंगे और अगर हमने सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की तो हम इनकम चार्ज नहीं करेंगे। सेम इसी तरीके से एक्सपेंस के लिए भी होता है कि अगर हम पेमेंट का ताल्लुक आपके एक्सपेंस से बिल्कुल नहीं होता, आपने अगर कोई सर्विसेज रिसीव कर ली है, ठीक है, आपने अगर कोई सर्विसेज रिसीव कर ली है तो आपने पेमेंट नहीं की, लेकिन वो आपका क्या बन जाएगी, वो आपका एक्सपेंस तो है, पेमेंट नहीं की तो आपकी क्या बन जाएगी, लाइबिलिटी बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक मैकेनिक से हमने गाड़ी ठीक करवाई, ठीक है, अब मैकेनिक ने जो है वो गाड़ी ठीक करने के हमसे $2,000 जो है वो डिमांड की। अब मैंने गाड़ी ठीक करवा ली, मैंने मैकेनिक से कहा भी बाद में आपको मैं पे कर दूंगा, सही है, तो सर सिंपल क्या हुआ, क्या मैकेनिक की इनकम हो गई, यस सर हो गई, क्योंकि उसने फंक्शन परफॉर्म कर दिया, कैश हालांकि उसको रिसीव नहीं हुआ लेकिन उसने चूंकि फंक्शन परफॉर्म कर दिया है इसीलिए उसकी तो इनकम ये बन चुकी है। इसी तरीके से जिसने गाड़ी ठीक करवाई उसने सर्विसेज रिसीव कर ली, यस सर सर्विसेज ले ली उसने, अब जब उसने सर्विसेज ले ली सर उसके ऊपर एक्सपेंस आ चुका है, हालांकि उसने अभी तक $1 पेमेंट भी नहीं की, हालांकि उसने $1 पेमेंट भी नहीं की फिर भी उस पे क्या आ चुका है, एक्सपेंस आ चुका है, क्योंकि हम कौन सी अकाउंटिंग अजम्पशन यूज कर रहे हैं, एक्रुअल बेस्ड अजम्पशन को यूज कर रहे हैं। सर इसी बेस को ध्यान में रखते हुए आइए इस डबल एंट्रीज को समझते हैं। सर 1 जनवरी को मैंने रेंट पे घर दिया, 31 जनवरी को मैं पहुंच गया हूँ, ये मंथ एंड हो चुका है, ठीक है, नया मंथ स्टार्ट हो चुका है, तो पिछले मंथ का जो है वो मेरी इनकम हो चुकी है, इसलिए मैंने रेंट इनकम को क्रेडिट किया, और चूंकि मुझे अभी पैसे नहीं मिले, अगर वो मुझे दे देता तो मैं एंट्री बनाता कैश या बैंक डेबिट रेंट इनकम क्रेडिट, उसने अभी तक पे नहीं किया, उसने कहा मैं 10 तारीख को पे करूंगा, तो सर अभी तक वो मेरे लिए क्या है, रेंट रिसीवेबल है, ठीक है, तो रेंट रिसीवेबल डेबिट रेंट इनकम क्रेडिट, जैसे वो मुझे पे कर देगा, ठीक है, वो मैं बैंक डेबिट कर दूंगा और रेंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर दूंगा, ठीक है, तो ये दो डबल एंट्रीज अलग अलग आ गई। लेकिन अगर हम टीनेंट के परस्पेक्टिव से देखें तो इसने रेंट इनकम क्रेडिट की तो इसने क्या डेबिट किया, रेंट एक्सपेंस, क्योंकि एक का इनकम दूसरे का एक्सपेंस बन जाता है, राइट। इसी तरीके से मेरे लिए रेंट रिसीवेबल है क्योंकि मैं टीनेंट नहीं हूं, मैं मालिक मकान हूं, लेकिन मेरे टीनेंट के लिए वो क्या बन जाएगा, रेंट पेबल, क्योंकि उसने अभी तक पेमेंट नहीं की। ओके, तो लाइक टू लाइक कंपेरिजन बिल्कुल आप देखें, मालिक मकान ने मंथ एंड पर एंट्री पास की, रेंट रिसीवेबल डेबिट और
रेंट इनकम क्रेडिट, और जो आपका टीनेंट है उसने क्या एंट्री पास की, रेंट एक्सपेंस डेबिट और रेंट पेबल क्रेडिट, राइट। अब जब मैं पेमेंट कर दूंगा तो मेरा बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और मेरी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, खत्म। और लाइबिलिटी खत्म होती है तो मैं जानता हूं मैं क्या करता हूं, उसको डेबिट कर रहा होता हूं, तो रेंट पेबल डेबिट और बैंक विल बी क्रेडिट। ओके स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन अबाउट दैट? तो आपने डबल पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखना है कि सर अगर एक एक्सपेंस चार्ज कर रहा है तो दूसरा इनकम चार्ज करेगा, ठीक है, एक रिसीवेबल चार्ज कर रहा है तो दूसरा पेबल चार्ज करेगा। सर इस एंट्री का ताल्लुक आपके इस ट्रांजेक्शन से और इसका ताल्लुक इस ट्रांजेक्शन, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, प्री पेमेंट की एंट्री देखते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने जाके कैटरिंग वाले को एडवांस पेमेंट कर दी $1 मिलियन की, ठीक है, तो मैंने एंट्री पास की प्रीपेड डेबिट बैंक क्रेडिट। सर आप प्रीपेड क्यों डेबिट करें, एक्सपेंस डेबिट नहीं कर सकते? नहीं, अभी आप एक्सपेंस डेबिट नहीं कर सकते, क्यों? इसीलिए एक्सपेंस अभी डेबिट नहीं कर सकते कि जिस 1 मिलियन की मैं पेमेंट कर रहा हूं उसके अगेंस्ट अभी तक मैंने कोई सर्विसेज रिसीव नहीं की है। ओके स्टूडेंट्स, मैंने कोई कोई सर्विसेज रिसीव अभी तक नहीं किए, तो इसीलिए मैं प्री पेमेंट को डेबिट नहीं कर सकता, एक्सपेंस को डेबिट नहीं कर सकता। इसलिए अभी जो 1 मिलियन दे रहा हूं वो मैं एडवांस दे रहा हूं, तो इसलिए मेरे लिए प्रीपेड है। प्रीपेड डेबिट किया, एसेट बनाया उसको, और बैंक क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने 1 मिलियन पे किया था उसमें से मैंने 300,000 का कैटरिंग सर्विसेज ले चुका हूं मैं, तो सर अब मेरा एसेट जो पहले 1 मिलियन का था उसमें से 300,000 की मैं सर्विसेज एक्वायर कर, सर्विसेज रिसीव कर चुका हूं, तो प्री पेमेंट मेरा 300,000 से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। और सर ये प्री पेमेंट जो मेरा एसेट था अभी तक वो अब किस में कन्वर्ट हो गया है, एक्सपेंस में, तो एक्सपेंस डेबिट और प्री पेमेंट क्रेडिट। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, जो पेमेंट कर रहा है, पेमेंट करने वाली पार्टी के लिए बात कर रहे हैं, पेयर की बात कर रहे हैं। लेकिन जो पार्टी रिसीव कर रही है उसके लिए अगर हम बात करें तो सर वो कैसे एंट्री पास करेगा। देखें, आपने बैंक क्रेडिट किया, उसने बैंक को क्या किया होगा, डेबिट। आपने प्री पेमेंट एसेट को डेबिट किया, उसने अनर्न्ड इनकम को क्रेडिट किया। सर ये क्या कॉन्सेप्ट है, देखें मेरे फॉर एग्जाम्पल कैटरिंग वाला मैं ही था, मेरे पास 1 मिलियन रिसीव हुआ, लेकिन मैं जानता हूं कि ये 1 मिलियन एडवांस है, इसके अगेंस्ट अभी मैंने कोई सर्विसेज नहीं दी, तो कोई सर्विसेज नहीं दी तो सर ये मेरे लिए अभी इनकम नहीं है, बल्कि मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है। क्या है exactly, ये मेरे लिए लायबिलिटी, तो 1 मिलियन से मैं अपनी इनकम को क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा, अनर्न्ड इनकम। सर जैसी मैं इसके अगेंस्ट सर्विसेज दे दूंगा तो फिर ये अनर्न्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अर्न इनकम में। ओके अभी ये अनर्न का कॉन्सेप्ट क्या है कि सर 1 मिलियन मेरी जेब में आ चुका है, मेरे पास रखा हुआ है, लेकिन ऐसी इनकम है जो मैंने अभी तक अर्न नहीं की, अनअर्न्ड है। ओके जैसी मैं अर्न कर लूंगा तो ये अभी अभी मेरे लिए लायबिलिटी है, क्योंकि मैंने जो 1 मिलियन लिया है एडवांस के तौर पे लिया है, इसके अगेंस्ट मुझे सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो जैसे ही मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर दूंगा तो मेरा ये अनअर्न्ड इनकम जो लायबिलिटी है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके फॉर एग्जाम्पल 300,000 की मैंने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, तो सर अब याद रखिए मेरी लायबिलिटी पहले 1 मिलियन डॉलर की थी, अब चूंकि उसमें से 300,000 की मैंने पेमेंट कर दी है, सॉरी मैंने 300,000 की सर्विसेज प्रोवाइड कर दी है, तो सर अब मेरी 300,000 से मेरी लायबिलिटी क्या हो चुकी है, खत्म। और लायबिलिटी कम होती है तो हम जानते हैं क्या होता है, डेबिट होता है। तो सर अब मैंने क्या किया, अदर इनकम को डेबिट किया। यस अब सर मैं क्या इसको इनकम रिकॉर्ड कर सकता हूँ, यस नाउ यू कैन रिकॉर्ड इनकम, एंड इनकम विल बी क्रेडिट एंड अनर्न इनकम विल बी डेबिट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये डबल एंट्रीज अगर आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाए एक्रूअल्स और प्री पेमेंट्स की, तो सर अब याद रखिए आपको इसके कोई क्वेश्चन इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम करने वाला नहीं है। ओके मैं इसको दोबारा कंपेयर करा देता हूं कि जब आपने पेमेंट की तो आपने प्रीपेड डेबिट किया और बैंक क्रेडिट किया, और जिसने रिसीव की उसने बैंक डेबिट किया और अनअर्न इनकम को क्रेडिट किया। आपने प्री पेमेंट इसलिए डेबिट किया कि आपका एसेट था, आपने अभी तक 1 मिलियन के अगेंस्ट कुछ भी सर्विसेज रिसीव नहीं की थी, एडवांस दिया था, तो इसलिए आपके लिए प्रीपेड डेबिट बैंक क्रेडिट। जिसने आपसे एडवांस लिया
उसके लिए क्या बन गया, ये 1 मिलियन लायबिलिटी, और लायबिलिटी बढ़ती है तो उसने क्या कर दिया, क्रेडिट। लेकिन सर चूंकि बैंक में उसके पैसे आ चुके हैं तो बैंक एसेट बढ़ चुका है, एसेट उसने क्या कर लिया, डेबिट। अब जैसे जैसे मैं सर्विसेज रिसीव करता रहूंगा तो मेरा ये प्री पेमेंट जो 1 मिलियन का है ये कन्वर्ट होता रहेगा किसमें, एक्सपेंस में। और सामने वाली पार्टी जिसके लिए वो लायबिलिटी था, वो जैसे जैसे सर्विसेज प्रोवाइड करती रहेगी उसके लिए ये लायबिलिटी किसमें कन्वर्ट होती रहेगी, इनकम में। जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने 300,000 की एक्सपेंस, मैंने सर्विसेज रिसीव कर ली तो मैंने उसको एक्सपेंस चार्ज कर दिया 300,000 डेबिट, और प्रीपेड 300,000 से क्रेडिट। सर इसी तरीके से जो रिसीव करने वाला था उसने आपको 3 लाख की सर्विसेज दे दी तो उसकी लायबिलिटी 3 लाख से खत्म हो गई, तो लायबिलिटी अर्न इनकम डेबिट, और वो 3 लाख किसमें कन्वर्ट हो चुके हैं, इनकम में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो इनकम विल बी क्रेडिट। ओके सर, इसके क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं चाहूंगा एक इसका टी अकाउंट हम समझ लें। टी अकाउंट बहुत ज्यादा जरूरी है इसका, ये टी अकाउंट जैसे ही आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। मैं दोनों का कंबाइंड टी अकाउंट भी बना सकता हूं, और अलग अलग भी बना सकता हूं। मैं यहां पर इसका एक कंबाइंड टी अकाउंट आपके सामने शो कर रहा हूं। पहले एक्रूअल की बात कर लेते हैं। देखिए एक्रूअल लायबिलिटी के सेंस में यूज होगा, और लायबिलिटी का ब्रॉड डाउन हम जानते हैं हमेशा किस तरफ आता है सर, क्रेडिट साइड पे, राइट। ये मेरी क्रेडिट साइड है, ये मेरी डेबिट साइड। ओके, एक्रूअल का ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड पे, तो कैरेट डाउन किस तरफ आएगा, डेबिट साइड। और प्रीपेड मेरा एसेट है, एसेट का ब्रॉड डाउन हमेशा डेबिट साइड पे आएगा और कैरेट डाउन हमेशा क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले तो आपने इसके ओपनिंग बैलेंसेस को पुट कर लिया। ओके, सबसे पहले तो आपने इसके ओपनिंग बैलेंसेस को पुट कर लिया। सेकेंडली फॉर एग्जाम्पल, पहले एक्रूअल को हम ध्यान में रखते हैं, लाइबिलिटी को। ओके, मैं जैसी पेमेंट करता हूं तो मेरी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब लाइबिलिटी अगर कम हो जाए तो सर लाइबिलिटी किस तरफ चार्ज होगी, डेबिट साइड पे, क्या ख्याल है, और साथ क्या आ जाएगा, बैंक। ठीक है, जब मैंने पेमेंट की होगी तो एंट्री क्या बनी होगी, बैंक क्रेडिट और लाइबिलिटी डेबिट, तो देखेंगे डेबिट साइड पे आ गया और साथ नाम किसका आ गया, बैंक का। ओके, इसी तरीके से जब मेरे मैंने मजीद सर्विसेज ले ली तो मेरी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लाइबिलिटी बढ़ेगी तो सर हमेशा क्या होगी, क्रेडिट होगी, और साथ नाम किसका आ जाएगा, एक्सपेंस का। फॉर एग्जाम्पल, मैंने रेंट एक्सपेंस एक और चार्ज किया, मेरे पर एक और मंथ गुजर गया, मेरे पे एक और महीने का रेंट एक्सपेंस एक्रू हो चुका है, तो मैं एंट्री क्या बनाऊंगा, रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेबल क्रेडिट। तो देखें रेंट एक्सपेंस डेबिट, ये चूंकि पेबल का अकाउंट है, एक्रूड का अकाउंट है, अकाउंट्स पेबल का अकाउंट है, इसको ध्यान में रखिए, और ये प्रीपेड है, ये मेरा एसेट है। ठीक है, ये एसेट के लिए, तो चूंकि एक्रूड मेरी लायबिलिटी है, मैं एंट्री बनाता हूँ एक्सपेंस डेबिट और एक्रूड पेबल, रेंट एक्सपेंस पेबल क्रेडिट। तो देखें पेबल का टी अकाउंट है, ये क्रेडिट साइड पे आ चुका है, और साथ नाम किसका आ चुका है, एक्सपेंस का। आइए मैं आपको डबल एंट्री से भी इसकी दिखा देता हूँ। जी हाँ, यहां देखिए, जब आपने एक्सपेंस मजीद चार्ज किया तो आपने पेबल को क्या किया था, क्रेडिट किया। तो देखिए मैंने 10,000 क्रेडिट चार्ट पे लिखूंगा, साथ नाम भी इसका डाल दूंगा, एक्सपेंस का। इसी तरीके से जब आपने पेमेंट की तो आपका पेबल क्या हुआ था, डेबिट हुआ था ना, तो इसलिए मैंने देखे पेमेंट वाले को डेबिट साइड पे डाला था और साथ नाम किसका लिख दिया था, बैंक का। इसी तरीके से अगर मैं आगे चलूं प्री पेमेंट की तरफ, तो देखिए प्री पेमेंट जब मैं कर रहा हूं, प्री पेमेंट जब मैं कर रहा हूं तो प्री पेमेंट क्या कर रहा हूं, मैं डेबिट कर रहा हूं और साथ नाम किसका आएगा, बैंक। तो पता चला कि सर चाहे आप एक्रूअल की बात कर ले या प्रीपेड की, दोनों सूरतों में पेमेंट हमेशा किधर आएगी, डेबिट साइड पे आएगी। पेमेंट हमेशा किधर आएगी, डेबिट। और सर प्रीपेड जब कन्वर्ट हुआ था एक्सपेंस में तो एंट्री क्या बनी थी, एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड क्रेडिट। तो देखिए प्रीपेड क्रेडिट साइड पे आ रहा है, ठीक है, और साथ नाम किसका आ जाएगा, एक्सपेंस का। तो पता चला चाहे एक्रूड का टी अकाउंट हो या प्रीपेड का, बैंक पेमेंट हमेशा डेबिट साइड पे आएगी और एक्सपेंस हमेशा क्रेडिट
क्रेडिट साइड पे आएगा जो कि इनकम स्टेटमेंट में जाके चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी क्या है ओपनिंग लाइबिलिटी, ये आपकी क्या आ गई क्लोजिंग लाइबिलिटी, ये आपका ओपनिंग एसेट और ये आपका क्लोजिंग एसेट। तो सर इस कंबाइंड टी अकाउंट की हेल्प से हम किसी भी किस्म का एक्रूड एक्रूअल एंड प्रीपेड का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक कोई क्वेश्चन है सो यू कैन आस्क। ओके एनी क्वेश्चन? ओके फाइन, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड वी जस्ट गोइंग टुवर्ड्स वन क्वेश्चन हियर। थीटा प्रिपेयर्स इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब यहां पर याद रखिए एक्रूअल्स एंड प्री पेमेंट के क्वेश्चन के अंदर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमेशा अपने जहन में रखिएगा सर, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमेशा अपने जहन में रखिएगा। एक अपने ईयर एंड को कि मेरा ईयर स्टार्ट क्या है और मेरा ईयर एंड क्या है। ओके, और मेरे पेमेंट के पीरियड को, ये मेरा ईयर ईयर स्टार्ट ईयर एंड है और ये मेरा पेमेंट यानी कि जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ वो किस पीरियड के लिए कर रहा हूँ, कब से लेकर कब तक। मैं इसको यूँ समझा देता हूँ, देखिए फॉर एग्जाम्पल मेरा साल शुरू होता है जनवरी पे और खत्म होता है दिसंबर पे। ठीक है, ये मेरा नॉर्मल ईयर है। मैंने पेमेंट की है मार्च 1 से लेकर अप्रैल 30 तक। ठीक है, मार्च 1, 2010 से लेकर अप्रैल 30, 2011 तक की मैंने पेमेंट की। इन दो पॉइंट्स को बहुत केयरफुली अंडरस्टैंड करने, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह। सर हर टॉपिक के जैसे की पॉइंट्स होते हैं, तो अगर मैं एक्रुअल और प्री पेमेंट के की पॉइंट्स की बात करूं तो एक तो एक्रुअल एंड प्री पेमेंट का टी अकाउंट जो भी आपको मैंने शो किया वो आपको लाजमी जो है ना वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और सेकेंड आपको टाइमलाइन बनानी आनी चाहिए। टाइमलाइन दो तरह की हो सकती है, एक तो ईयर एंड की टाइमलाइन और दूसरी पेमेंट की टाइमलाइन। ईयर एंड की टाइमलाइन क्या हो सकती है सर, जनवरी से मेरा ईयर स्टार्ट हो रहा है दिसंबर पे खत्म हो रहा है। ठीक है, जनवरी 2010 की बात कर लेते हैं और ये आ जाएगा 2010 का दिसंबर। ओके, दिसंबर में मेरा ईयर एंड हो रहा है और जनवरी में मेरा ईयर स्टार्ट हो रहा है। एक है मेरा नॉर्मल ईयर एंड की टाइमलाइन, दूसरी पेमेंट की टाइमलाइन है। पेमेंट की टाइमलाइन से मुराद ये कि सर जिस टेन्योर की मैं पेमेंट कर रहा हूँ वो कौन सा है। देखिए मैं पेमेंट कर रहा हूँ मार्च 1 से लेकर अप्रैल 30, 2011 तक। अगर देखा जाए तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये दिसंबर पे आके देखिए मेरा ईयर एंड हो जाएगा यहाँ पे कहीं, यहाँ कहीं मेरा ईयर एंड हो जाएगा दिसंबर 2010 का। लेकिन आई नो दैट कि मैंने पेमेंट कब तक की हुई है, अप्रैल 2011 तक की, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल सर 4 मंथ्स की पेमेंट मैंने एक्सेस की हुई है। 4 मंथ्स की पेमेंट मैंने क्या की हुई है, एक्सेस की हुई है। क्या ख्याल है, अंडरस्टैंड? यस। तो सर ये दो तरह की टाइमलाइन आपको लाजमी बनानी है। अब फॉर एग्जाम्पल पेमेंट की थी मैंने पूरे टेन्योर की मार्च से लेकर अप्रैल तक की $20,000। ठीक है, ये मैंने पेमेंट की थी। अब मैं अगर देखता हूं मुझे नजर आ रहा है कि मैं जब ईयर एंड पे खड़ा हूं अपने दिसंबर 2010 पर, तो मुझे ये बात पता है कि मैंने पेमेंट अगले 4 महीनों की भी की हुई है। तो इस पॉइंट पे खड़े होके मुझे पता लग गया कि मेरा केस किसका है, प्रीपेड के। अभी मैंने सवाल नहीं पढ़ा, अभी मैं सिर्फ इन टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, सवाल इसके बाद पढ़ेंगे। सर आपको कैसे था प्रीपेड, क्योंकि देखिए मैं खड़ा हूँ दिसंबर पे और मैंने पेमेंट की भी अप्रैल तक की, तो सर 4 महीने की एक्सेस पेमेंट हुई भी है, एडवांस पेमेंट हुई है, तो यही मेरा क्या बन गया, प्रीपेड बन गया। राइट, इसी तरीके से अगर मैं ईयर एंड पे खड़ा हूं
और मैंने पेमेंट फॉर एग्जांपल नवंबर 2010 तक की हुई है, ठीक है, तो सर नवंबर नवंबर 2010 तक की पेमेंट की है, दिसंबर की पेमेंट मैंने नहीं की, यानी कि ईयर एंड से पहले तक की पेमेंट की हुई है, तो सर ये मेरे लिए किसका केस बन जाएगा? एक्रूड का, लायबिलिटी का केस बन जाएगा। तो बहुत आसान करते हैं इसको, आप ईयर एंड पे खड़े हैं, अगर ईयर एंड के बाद तक की पेमेंट आपने की हो तो आप कहेंगे प्रीपेड का केस है, अगर ईयर एंड से पहले तक की पेमेंट की हो तो आप कहेंगे अक्रूवल का केस, ठीक है। सर ये दो टाइमलाइंस हमेशा बनाएंगे तो आपको बहुत इजीली चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। अब अगर मैं इस टाइमलाइन को इसमें मर्ज कर दूं तो ये जनवरी पे साल शुरू हुआ था और दिसंबर पे खत्म हो गया, जनवरी 2010 पे शुरू हुआ था, दिसंबर 2010 पे खत्म हो गया, लेकिन पेमेंट मैंने कब की है? मार्च 1, 2010 को, जो कि पेमेंट है कब तक की? 30 अप्रैल 2011, ठीक है, तो 2011 तक की पेमेंट है। तो सर यूं आपने टाइमलाइंस को यूज करके क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। होप आई होप कि आपको ये चीज क्लियर होगी। आइए इसको जरा एक क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन पे आपसे कह रहा है कि कंपनी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2006। अब देखें ये मेरा ईयर एंड है, अगर 30 अप्रैल 2006 पे ईयर एंड हो रहा है, ठीक है, तो स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 मई 2005 पे, ठीक है, ये मेरा ईयर की टाइमलाइन आ गई कि मेरा ईयर एंड अगर 30 अप्रैल 2006 पे होता है, तो सबसे पहले आपने ईयर एंड अपना देखना है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, आपने अपना ईयर एंड देखना है क्वेश्चन के अंदर, ओके, आपने क्वेश्चन के अंदर अपना ईयर एंड देखना है, तो ईयर एंड मुझे गिवन है 30 अप्रैल 2006, अगर ईयर एंड 30 अप्रैल 2006 है तो ईयर स्टार्ट क्या हो गया? 1 मई 2005, ओके, ये चीज तो क्लियर हो गई। अब आइए सवाल पढ़ते हैं। द कंपनी पे रेंट फॉर इट्स प्रीमिसेस क्वार्टरली इन एडवांस ऑन 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई एंड 1 अक्टूबर। कह रहे हम पेमेंट करते हैं एडवांस में, यानी कि हर आने वाले 3 महीने की पेमेंट पहले से कर देते हैं। हम जानते हैं साल में 4 क्वार्टर होते हैं और हर एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, तो जनवरी के 1 को पेमेंट करते हैं, जनवरी फरवरी मार्च की, ठीक है, फिर अप्रैल को 1 को पेमेंट करते हैं, अप्रैल मई जून की, फिर जुलाई 1 को पेमेंट करते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर की, फिर अक्टूबर 1 को पेमेंट करते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर की। द एनुअल रेंट वॉज 84,000 पर ईयर अंटिल 30 जून 2005 एंड इट वॉज इंक्रीज फ्रॉम दैट डेट टू 96,000 पर ईयर। कह रहे 30 जून तक जो है वो 2005 तक रेंट जो है वो 84,000 था, और उसके बाद कितना हो गया? 96,000। अच्छा अब यहाँ पर मुझसे रिक्वायरमेंट क्या है कि बता दीजिए एक्सपेंस कितना है और प्री पेमेंट कितना है। अब देखिए सवाल बड़ा इजी है, इसने तो खुद आपसे प्री पेमेंट कह दिया, तो उसका मतलब प्री पेमेंट का ही केस होगा, लेकिन अगर यहाँ पर खामोश रहता सवाल, प्रीपेड स्लैश एक्रूड डाल देता, तो सर आप फिर मुझे ढूंढना पड़ता कि सर आया मेरा एक्रूड बनता है या प्री पेमेंट बनता है, क्योंकि अभी आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था कि ईयर एंड पे खड़े हो जाएं, देखें कि पेमेंट आगे तक हुई भी है तो आपका प्रीपेड का केस है, और देखें अगर आपके ईयर एंड से पीछे तक पेमेंट हुई है तो आप क्या कहेंगे? एक्रूड का केस है, राइट। सर सबसे पहले एक्सपेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। सर मेरा जून 30, 2005 पे जाके मेरा रेंट चार्ज चेंज हो रहा है, ठीक है, तो मिड ऑफ द ईयर है, मई जून, सॉरी 2 मंथ बाद, नॉट मिड ऑफ द ईयर, आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर 2 मंथ्स मई जून जून तक 30 जून 2005, 30 जून 2005 तक आपका रेंट कितना था? वो 84,000, यानी कि मई और जून 2 मंथ्स जो है वो आपके पुराने रेंट के हिसाब से, और क्या कह रहे हैं सर? द एनुअल रेंट वॉज 84,000 पर ईयर, इट इज इंक्रीज फ्रॉम दैट डेट टू 96,000, और उसके बाद सर आपका रेंट कितना हो चुका है? 96,000।
यानी कि अब ये जो रिमेनिंग 10 मंथ्स है, इसका रेंट जो है वो कितना चार्ज करेंगे हम, 96,000 के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पर कितने के हिसाब से चार्ज करेंगे, 84,000 के हिसाब से। तो सबसे पहले आइए हम 12 महीने का रेंट एक्सपेंस चार्ज कर लेते हैं, पहले 2 मंथ्स का रेंट और फिर 10 मंथ्स का रेंट। देखिए ये टाइम लाइन ही आपको बता रही है सारी चीजें, डायरेक्ट आप नहीं कैलकुलेट कर सकते, ठीक है। तो टाइम लाइन जरूर बनाइएगा, ये आपको बहुत हेल्पफुल होगी आपके क्वेश्चन के अंदर। सर 84,000 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो सर 14,000 मेरा रेंट आ गया 2 मंथ्स का, और बकिया 96,000, सर 80,000 मेरा जो है वो, सर 80 प्लस 14, 94,000 मेरा क्या आ चुका है, रेंट एक्सपेंस 94,000। बिकॉज जो लास्ट 10 मंथ्स है उसको 96,000 के हिसाब से हमने चार्ज किया, और शुरू के जो 2 मंथ्स है उनको हमने 84,000 के हिसाब से चार्ज किया, क्योंकि मेरा एनुअल रेंट जो है वो 30 जून 2005 तक 84,000 था, और मेरा स्टार्ट होता है साल जन 1 मई पे, तो मई जून 2 मंथ्स का जो है वो मेरा पुराने रेंट के हिसाब से चार्ज होगा, और जो नए 10 मंथ्स है आने वाले 10 महीने वो नए रेंट के हिसाब से चार्ज होंगे जो कि 96,000 है। तो मैंने 96,000 को डिवाइड किया 12 से, मल्टीप्लाई किया 10 से, तो 80,000 आ गया, और इसी तरीके से 84,000 को मैंने डिवाइड किया 12 से, मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो सर मेरे 2 मंथ्स का रेंट आ गया 14,000, और रेंट एक्सपेंस मेरा आ गया 94,000 का। अगर आप देखें तो ऑप्शन सी या डी में से कोई एक आंसर है, ठीक है। अब वो कौन सा है वो हमें प्रीपेड का केस हमें बताएगा कि आया प्रीपेड 8,000 ठीक है या 16,000 ठीक है। आप ईयर एंड कहां खड़े हैं, आप 30 अप्रैल पे, ये आपका ईयर एंड है राइट। लेकिन देखिए आपने पेमेंट कब की होगी, 1 अप्रैल को पेमेंट की होगी 2006, 1 अप्रैल 2006 को आपने पेमेंट की होगी। सर कितनी पेमेंट की होगी, सर पूरे साल, चूंकि अब मैं जून के बाद वाले महीने की बात कर रहा हूं तो इसलिए मेरे लिए रेलेवेंट एक्सपेंस कौन सा होगा, 96,000 जो है वो मेरे लिए क्या होगा, रेलेवेंट होगा। तो सर 96,000 पूरे साल का है, और साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, तो सर एक क्वार्टर की पेमेंट कितनी हो गई 24,000, एक क्वार्टर की कितनी पेमेंट हो गई 24,000, ठीक है। आपने 1 अप्रैल को, क्योंकि हम जानते हैं ऊपर गिवन है क्वेश्चन में कि 1 अप्रैल को आप पेमेंट कर देते हैं एडवांस में, 1 अप्रैल को आपने 24,000 पे किया होगा, क्योंकि कितने महीनों का, 3 महीनों का, अप्रैल मई जून, ठीक है, अप्रैल मई जून। तो सर आप यहां देख सकते हैं कि आफ्टर 1 मंथ आपका क्या आ चुका है, ईयर एंड, ये आपका ईयर एंड आ रहा है। तो सर आपने 24,000 पे किए 3 महीनों के, लेकिन 1 महीने बाद ही क्या आ गया, ईयर एंड। तो अब जब मैं, लेकिन पेमेंट कब तक की गई आपने, अप्रैल मई जून, यानी कि जून तक की पेमेंट की हुई है। सर क्या आपने 2 मंथ्स की एक्सेस पेमेंट की हुई है, यस सर 2 मंथ्स की चूंकि आपने एक्सेस पेमेंट की हुई है तो सर ये आपका कौन सा केस बन गया, प्रीपेड का केस बन गया, ठीक है। सर कितने महीने, सर 24,000 पेमेंट है 3 महीनों की, तो डिवाइड मारेंगे 3 से तो आंसर आएगा 8,000, 8,000 एक मंथ का एक्सपेंस है, और आपने पेमेंट की हुई है 3 महीने की। जैसी मैंने 1 अप्रैल को पेमेंट की तो 1 अप्रैल के बाद ईयर एंड आ गया 1 महीने बाद, तो सर सिर्फ मेरे 24,000 में से 8,000 एक्सपायर होगा, और 16,000 2 मंथ्स का अभी भी प्रीपेड मेरा रखा हुआ है। तो सर पता चला कि ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, 94,000 आपका रेंट एक्सपेंस और 16,000 आपका प्रीपेड, क्योंकि सर आपने 1 अप्रैल को पेमेंट की 24,000 की, 1 महीने बाद ही मेरा ईयर एंड आ गया, तो 24 में से 8,000 एक्सपायर हो गए, लेकिन सर पेमेंट आपने जून तक की हुई है, तो 2 महीने की एक्सेस पेमेंट की हुई है, और एक्सेस पेमेंट की हुई है तो ये मेरे लिए क्या बन गया, प्रीपेड बन गया सर, और प्रीपेड मेरा क्या होता है, एक्सेट होता है राइट। सर ये एक्रुअल प्रीपेमेंट का एक अच्छा सवाल हमने यहाँ पर देखा। अच्छा एक बात और याद रखिएगा यहाँ पर कि मैं इसको सिंपल कर दूं,
अक्सर क्वेश्चन में एक्रुअल और प्रीपेड की ट्रीटमेंट दे देता है, तो एक्रुअल याद रखें आपके एक्सपेंस पे जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है, और प्रीपेड जो है वो आपके एक्सपेंस से जाके क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रीपेड को एक्सपेंस से आपने माइनस करना है और एक्रुअल को आपने एक्सपेंस में ऐड करना है। तो पता चला एक्रुअल जब मेरे एक्सपेंस में ऐड होगा, सही है, तो ये मेरे एक्सपेंस को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, एक्सपेंस को इंक्रीज कर देगा, और प्रॉफिट को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से प्रीपेड एक्सपेंस से क्या होता है, माइनस होता है, तो इसका मतलब है ये प्रीपेड जो है वो मेरे एक्सपेंस को क्या कर देगा, कम, और अगर एक्सपेंस कम हो रहा है तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा सर, ज्यादा हो जाएगा, अंडरस्टैंड। तो इस चीज को हमेशा याद रखें, अक्सर एग्जामिनर जो है वो एक्रूअल और प्री पेमेंट की जो है ना वो ट्रीटमेंट्स देकर आपसे प्रॉफिट पे इफेक्ट पूछ लेता है। तो चूंकि एक्रूअल के अंदर सर एक्रूअल क्यों ऐड होता है एक्सपेंस में, इसकी भी लॉजिक समझ ले। एक्रूअल की एंट्री हम बनाते हैं एक्सपेंस डेबिट और एक्रूअल एक्सपेंस क्रेडिट, यानी कि रेंट एक्सपेंस जैसे हमने डेबिट किया था और रेंट पेबल यानी कि एक्रूअल रेंट पेबल हमने क्रेडिट किया था, तो सर एक्रूअल की अगेंस्ट एक्सपेंस डेबिट हो रहा था, और एक्सपेंस डेबिट होता है उसका मतलब एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, और एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो सर इसका मतलब आपका प्रॉफिट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए एक्रूअल को हम एक्सपेंस में ऐड करते हैं, जो कि आपके एक्सपेंस को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, और आपके प्रॉफिट को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, ठीक है। इसी तरीके से प्रीपेड की अगर हम बात कर लें, तो प्रीपेड के अंदर सर प्रीपेड के अंदर आप एंट्री बनाते हैं प्रीपेड डेबिट कैश क्रेडिट, सही है, और ईयर एंड पर हम एडजस्टमेंट क्या करते हैं, जितना भी प्रीपेड है उसके अगेंस्ट हम एक्सपेंस को क्या कर रहे होते हैं, क्रेडिट। तो प्रीपेड बेसिकली एसेट है और मेरे एक्सपेंस को क्या कर रहा होता है, कम कर रहा होता है, इसलिए एक्सपेंस क्रेडिट होता है, प्रीपेड डेबिट हो रहा होता है, और एक्सपेंस कम होने का मतलब एक्सपेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज, और एक्सपेंस डिक्रीज होने का मतलब प्रॉफिट आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो सर ये दो ट्रीटमेंट्स को आपने लाजमी याद रखना है। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। ओके, कह रहा है एलन प्रिपेयर्ड हिज ड्राफ्ट फाइनल अकाउंट्स बट डिड नॉट एडजस्ट दीज फॉर प्री पेमेंट 1500 एंड एक्रूअल ऑफ 400, हाउ विल एलन्स प्रॉफिट एंड नेट एसेट्स बी अफेक्टेड बाय इंक्लूडिंग दी प्री पेमेंट एंड एक्रूअल। ओके क्वेश्चंस स्टूडेंट्स, अब तक आप, इज देयर एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग योर टॉपिक, ओके 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 सर, क्वेश्चन यह है कि आपने जो है अपने ड्राफ्ट फाइनल अकाउंट्स में, ड्राफ्ट फाइनल अकाउंट से मुराद ये कि ऐसे अकाउंट जिसके अंदर अभी फर्दर एडजस्टमेंट्स की नीड मौजूद है, ठीक है। ओके सर, आपने फाइनल अकाउंट्स अपने बनाए जिसमें आपने दो चीजों का एडजस्ट नहीं किया, एक प्री पेमेंट था कितने का, 1500 का, ठीक है, और एक एक्रूअल था कितने का, 400 का, ठीक है, एक प्रीपेड था 1500 का और एक एक्रूअल था कितने का, 400 का। मैं सबसे पहले अगर एक्रूअल की बात कर लूं, तो अभी हमने क्या पढ़ा था पिछली स्लाइड पर, कि सर एक्रूअल जो है वो हमारे एक्सपेंस को क्या करता है, इंक्रीज करता है, और प्रॉफिट को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, ठीक है। तो एक्रूअल कितने का, 400 का, तो इसने मेरे प्रॉफिट को कितने से कम किया, 400 से, ठीक है। तो सर आपने अगर अभी तक इस 400 को एडजस्ट नहीं किया, तो आप एडजस्ट करें और अपने प्रॉफिट को डिक्रीज कर देंगे कितने से, 400 से। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं प्रीपेड की, तो प्रीपेड मेरे एक्सपेंस को क्या करता है, डिक्रीज करता है, कितने का है वो, 1500 का, जो कि मेरे प्रॉफिट को क्या करेगा जी, जो कि मेरे प्रॉफिट को क्या करेगा, जब प्रीपेड मेरे एक्सपेंस को कम कर रहा है तो प्रॉफिट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा 1500 से। इन दोनों को अगर मैं नेट कर लूं
तो प्रॉफिट को माइनस करना है 400 से और बढ़ाना है 1500 से, तो नेट मुझे अपने प्रॉफिट को कितने से इंक्रीज करना पड़ेगा, 1100 से। नेट मुझे अपने प्रॉफिट को कितने से इंक्रीज करना पड़ेगा, 1100 से, राइट। ओके तो सर अब इंक्रीज नेट प्रॉफिट इंक्रीज बाय 1100, एक तो ये ऑप्शन ये आ गया और एक ऑप्शन ये, यानी कि ए और सी में से एक ऑप्शन तो है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे फ्री हो चुका है, उसकी कोई नीड नहीं है क्योंकि हमारा एक पॉइंट मैच कर गया। अब नेक्स्ट ये है कि नेट एसेट्स, ठीक है, आप जानते हैं नेट एसेट्स हमारी जो है वो टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज को भी हम नेट एसेट्स के तौर पर यूज कर रहे होते हैं। अब यहां पर आप देखें तो आपका एक एसेट है करंट एसेट 1500 का जो कि रिकॉर्ड नहीं हुआ, ठीक है, और एक आपकी करंट लाइबिलिटी है वो कितने की है, 400 की, ठीक है, वो रिकॉर्ड नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ, अब देखिए उसने आपसे पूछा गया हाउ विल प्रॉफिट एंड नेट बी अफेक्टेड बाय इंक्लूडिंग दी प्री पेमेंट एंड एक्रू। अब आपसे ये कह रहा है कि जैसे ही आप इन दोनों को इंक्लूड करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके प्रॉफिट और आपके नेट एसेट्स पर, ठीक है। तो सर हमें करना यह है कि हमें अपने प्रॉफिट को बेसिकली इंक्रीज करना है कितने से, 1100 से। प्रॉफिट को हमने क्या करना है, इंक्रीज करना है 1100 से, ठीक है। अच्छा याद रखें यहां पर मैं एक चीज और क्लियर करता चलूं, अक्सर इस तरह के सवालात में वो एरर्स जो भी दे देता है उसके बाद दो चीजें पूछते हैं, या तो वो ये पूछता है कि एरर का क्या इफेक्ट हुआ, यानी कि इस एरर होने की वजह से आपके प्रॉफिट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। जैसे डेप्रिसिएशन में अक्सर वो एक एरर दे देता है कि भाई एक फिक्स एसेट को हम रिकॉर्ड करना ही भूल गए, ठीक है, और बताएं प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है अगर आपने एक फिक्स एसेट को रिकॉर्ड नहीं किया तो जब एसेट रिकॉर्ड नहीं है तो उसकी डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड नहीं हुई, अब अगर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं हुई तो उसका प्रॉफिट क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, कम, आपको अब प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा जितना भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। तो दो तरह से रिक्वायरमेंट पूछता है, कभी कभी वो आपसे एरर का इफेक्ट पूछ रहा होता है कि भाई एरर हो गया बताएं क्या फर्क पड़ेगा, तो उसने पूछा कि भाई एसेट रिकॉर्ड नहीं किया बताएं प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आप क्या आंसर देंगे, सर प्रॉफिट आपका क्या हुआ है, ओवर स्टेट हुआ हुआ है। क्यों, क्योंकि सर आपने चूंकि एसेट रिकॉर्ड नहीं किया, सर अगर आपने एसेट रिकॉर्ड नहीं किया तो आपने उस एसेट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो भी रिकॉर्ड नहीं किया होगा, जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया तो आपका प्रॉफिट क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, ठीक है। तो इफेक्ट अगर पूछेगा तो आप आंसर क्या देंगे कि भाई आपका एस प्रॉफिट ओवर स्टेट हुआ हुआ है इस एरर की वजह से। लेकिन अगर वो आपसे करेक्शन पूछे, आपसे एडजस्टमेंट पूछे कि भाई करेक्ट करने के बाद क्या होना चाहिए, तो अब आप कहेंगे कि आपको अपना प्रॉफिट डिक्रीज करना चाहिए डेप्रिसिएशन के अमाउंट से। तो सर याद रखिए हमेशा कभी वो आपसे करेक्शन पूछते हैं कभी वो आपसे इफेक्ट पूछते हैं। यहां पर उसने मुझसे कहा कि भाई अगर मैं इंक्लूड करता हूं तो बताएं मेरे प्रॉफिट और नेट एसेट्स पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो सर याद रखें जैसे ही आप, क्योंकि आपने एक 400 का एक्सपेंस चार्ज करना था आपने वो नहीं किया और एक 1500 की इनकम चार्ज करनी थी जो आपने नहीं की, क्योंकि प्रॉफिट मेरी प्री पेमेंट मेरे प्रॉफिट को इंक्रीज करता है, मेरे एक्सपेंस को डिक्रीज कर रहा है तो ऑटोमेटिक मेरे प्रॉफिट को इंक्रीज कर रहा है। तो 1500 से प्रॉफिट बढ़ाना चाहिए था 400 से कम, तो नेट मुझे 1100 से अपने प्रॉफिट को क्या करना है, इंक्रीज करना है, ठीक है। एक तो मुझे ये एडजस्टमेंट करनी है, जैसे ही मैं प्री पेमेंट और एक्रूअल जो मैंने अभी तक चार्ज नहीं किया था जैसे ही मैं उसको इंक्लूड करूंगा तो मुझे एक तो अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना है 1100 से। दूसरा इफेक्ट क्या है कि सर मेरे नेट एसेट पे क्या फर्क पड़ेगा, सर चूंकि प्रीपेड मेरा एसेट है, ठीक है, प्रीपेड मेरा एसेट है तो सर 1500 का प्रीपेड रिकॉर्ड नहीं हुआ और 1100 की लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं हुई, तो नेट मेरा 1100 का नेट एसेट्स भी क्या हुआ हुआ है, डिक्रीज हुआ हुआ है, उसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो सर 1100 से मुझे अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना है और 1100 से मुझे अपने नेट एसेट्स को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सर एक बहुत अच्छा सवाल था, इसको अक्सर स्टूडेंट गलत करते हैं, तो यहाँ पे मैंने खुद सॉल्व आपको करा दिया। अब टाइम बहुत शॉर्ट है सर, हम एक्रूअल्स एंड प्री पेमेंट के ऊपर आपको जितना ज्यादा जो है ना वो कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे थे उतना कर सके, लेकिन इंशाल्लाह मजीद प्रैक्टिस क्वेश्चन आपसे शेयर करेंगे, जो नंबर मैंने आपको दिया हुआ है
इस पे हम आपका ग्रुप जो है वो जनरेट कर देंगे। हो सकता है लिंक आपके पास हो ग्रुप का यहाँ पर, तो वो लिंक जो है आप उससे आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हम मजीद प्रैक्टिस मटेरियल जो आपके साथ शेयर कर रहे होंगे। सर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर वो हमारा होगा इन्वेंटोरी। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं सर, लेट्स मूव फॉरवर्ड। यस, टॉपिक नंबर थ्री एंड दैट इज इन्वेंट्री। ओके स्टूडेंट्स, तो सर इन्वेंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन एनी बिजनेस। सर इन्वेंट्री इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि इसके ऊपर पूरा IS-2 बना दिया गया, इसके लिए एक अलग से स्टैंडर्ड बना दिया गया। हम जानते हैं इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, वो गुड्स और वो चीजें जिसको हम जिसकी बिजनेस के अंदर हम बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, जिसको रीसेल पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं। शूज है, मेरी शूज की मेरा आउटलेट है, तो शूज मेरे लिए इन्वेंट्री है। मैं सीमेंट का बिजनेस करता हूँ, सीमेंट मेरे लिए इन्वेंट्री है, राइट। मैं जो हूँ वो गारमेंट्स का बिजनेस करता हूँ, तो जितने भी कपड़े वगैरह सब चीजें मेरी इन्वेंट्री है। ठीक है, तो सर सबसे पहले इन्वेंट्री का मतलब क्या रहेगा, इन्वेंट्री इन द टर्म फॉर द गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इन केस ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस एंड फॉर रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। याद रखें अगर हम बात करते हैं ट्रेडिंग बिजनेस की, तो सर इन्वेंट्री क्या है, जो चीज का मैं जिस चीज को मैं बाय करके सेल करता हूँ, ठीक है, वो मेरी इन्वेंट्री। लेकिन अगर हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात करें तो वहां पर मेरी इन्वेंट्री तीन तरीके की हो सकती है। वहां पे मेरी इन्वेंट्री तीन तरीके की हो सकती है सर, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड। ठीक है, तो सर ये तीनों मेरी क्या है, करंट एसेट्स, राइट। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात करेंगे तो तीन तरह की इन्वेंट्रीज है, और अगर हम ट्रेडिंग बिजनेस की बात करेंगे तो सिर्फ जो इस चीज को हम बाय करके सेल कर रहे हैं वो हमारी क्या है, इन्वेंट्री। सर इन्वेंट्री के लिए अलग से स्टैंडर्ड लाने की जरूरत क्या थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। आप याद रखें इन्वेंट्री यहाँ पर बेसिकली हम एंडिंग इन्वेंट्री की बात करने जा रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं सर, एंडिंग इन्वेंट्री की, राइट। जी हाँ, एंडिंग इन्वेंट्री की बात करने जा रहे हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री जिसको हम कहते हैं। तो सर सबसे पहले हमने इन्वेंट्री का मतलब समझ लिया, IS-2 में डील हो रहा है। अब याद रखें एंडिंग इन्वेंट्री वो वाहिद एलिमेंट है जो कि इनकम स्टेटमेंट में भी चार्ज होता है और बैलेंस शीट में भी चार्ज होता है। आप जानते हैं जब आप इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो वहां पर भी आ रहा होता है। तो इसलिए आप एंडिंग इन्वेंट्री को बैलेंस इनकम स्टेटमेंट के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से जाके क्या कर रहे होते हैं, माइनस कर रहे होते हैं। और सेम इसी तरीके से इसी एंडिंग इन्वेंट्री को आप एज अ करंट एसेट ले जाकर अपनी बैलेंस शीट में शो कर रहे होते हैं। तो पता चला एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन अगर गलत हो जाए तो आपकी इनकम स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है, आपकी बैलेंस शीट भी गलत हो जाती है। इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इसलिए इसके लिए एक अलग से स्टैंडर्ड जो है वो हमें दिया गया IS-2। सर इन्वेंट्री हम यहाँ पे एंडिंग इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं, एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो अगर ट्रेडिंग बिजनेस की बात करें तो सिंपल वही इन्वेंट्री हमारी जिस चीज को हम खरीद के आगे बेच रहे हैं, लाइक शूज एंड गार्मेंट्स वगैरह। इसी तरीके से अगर हम ट्रेडिंग बिजनेस के अलावा हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात करते हैं, तो वहां पे तीन तरह की इन्वेंट्री आ रही, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड। अब सर हम जानते हैं कि एंडिंग इन्वेंट्री वो वाहिद एलिमेंट है जो इनकम स्टेटमेंट में भी चार्ज होता है और बैलेंस शीट में भी। इनकम स्टेटमेंट में एंडिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से जाके क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और बैलेंस शीट में जाके एज अ करंट एसेट ऐड हो जाता है। ठीक है, फर्दर इसको आगे लेके चलते हैं। यस, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर हम इन्वेंट्री को किस वैल्यू पे चार्ज करें, ठीक है, किस वैल्यू पे उसको हम चार्ज करें ना इन्वेंट्री को। आंसर आता है जहन में, यार जितने का आपने परचेज किया उतने का चार्ज कर लें, लेकिन हो सकता है ईयर एंड पे उसकी वैल्यू तब्दील हो चुकी हो, मार्केट में वो महंगा हो चुका हो, सस्ता हो चुका हो। इसीलिए हम जब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज की, कॉस्ट शुड इंक्लूड ऑल। अच्छा, एक तो जिस तरह हमने फिक्स एसेट में बात की थी नॉन करंट एसेट में, कि एक एसेट को जहां से हमने खरीदा वहां से लेकर अपने अपनी फैक्ट्री में इंस्टॉलेशन लाने तक, उसको यूजेबल फॉर्म में लाने तक जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सब कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बनते हैं। सेम इसी तरीके से याद रखिए,
इन्वेंट्री को भी, अगर फॉर एग्जाम्पल यूएसए से इन्वेंट्री यहाँ पर ला रहे हैं, वहां से लेकर यहाँ पाकिस्तान में लाने तक इन्वेंट्री पे जितने भी एक्सपेंसेस है सब इन्वेंट्री की कॉस्ट में क्या हो जाएंगे ऐड। तो ये लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ परचेज इंक्लूडिंग टैक्सेस ट्रांसपोर्ट हैंडलिंग एंड नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट रिसीव। अगर इसके अलावा कोई भी डिस्काउंट वगैरह हो रहा है, ठीक है, इसके अलावा कोई भी डिस्काउंट हो, जाहिर सी बात है ट्रेड डिस्काउंट हो कैश डिस्काउंट हो, उसको हम एक अलग टॉपिक है उसको आप देखेंगे, तो वो माइनस करने के बाद कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन इंक्लूडिंग फिक्स एंड वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, कोई कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन उसको भी आप चार्ज करेंगे, अदर कॉस्ट इनकर इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। ये बात जो हम कर रहे थे आपसे वो यहाँ पे आ गई है कि इन्वेंट्री को परचेज करने से लेकर उसको सेल आउट पोजिशन में लाने तक जितना भी एक्सपेंस इंकर्ड होगा उस इन्वेंट्री का पार्ट, जैसे आपकी इंपोर्ट ड्यूटीज हो गई, कस्टम ड्यूटीज हो गई, वो सब उसके अंदर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है सर, ये तो उसकी होगी कॉस्ट। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इन्वेंट्री एक्वायर की जो मेरे को टोटल जिसकी कॉस्ट बनी ना सर, तो टोटल उसकी कॉस्ट बनी वो फॉर एग्जाम्पल बनी $100। कितनी बनी? $100। ईयर एंड आ गया और वो एंडिंग इन्वेंट्री में पड़ी हुई मेरे पास $100, उसकी कॉस्ट 100 है। लेकिन आज मैंने अपने एक एक्सपर्ट को मार्केट से बुलाया और उसको मैंने कहा कि भाई मैं इस इन्वेंट्री को बेचना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है सर, ये इन्वेंट्री आपकी बिक जाएगी, एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड है, क्या है सर, एक्सपेक्टेड सेल प्राइस इसकी हो सकता है आपको $100 का बिक जाए, लेकिन 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 इस $100 को हासिल करने के लिए आपको मुझे, क्योंकि मैं बिकवाऊंगा तो मुझे कमीशन देना पड़ेगा आपको। सर कितने का कमीशन देना पड़ेगा? $10 का। कितना? 10। ठीक है, रिपेयर करवानी पड़ेगी आपकी इन्वेंट्री को थोड़ा सा, तो रिपेयर पे कितना खर्चा आ रहा है सर, वो भी कितना आ रहा है? $10। ठीक है, और सर आपको अपनी ये इन्वेंट्री मार्केट तक पहुंचानी पड़ेगी तो ट्रांसपोर्टेशन भी लगेगी $10 की। ठीक है, तो सर नेट आपकी जेब में कितना आएगा? $70। बिक तो 100 की जाएगी लेकिन 10 मुझे कमीशन देंगे आप, रिपेयर करवानी पड़ेगी और मार्केट तक पहुंचानी पड़ेगी, टोटल $30 का खर्चा करेंगे। $100 का बिकेगा तो नेट आपकी जेब में, जो मालिक इन्वेंट्री का, उसकी जेब में कितने आएंगे? $70। दिस इज कॉल्ड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, के इन्वेंट्री को बेच के, इन्वेंट्री को लीव करके नेट मेरी जेब में कितना पैसा आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, NRV। सर ये है NRV का फॉर्मूला भी, और अगर आपको NRV, NRV क्या है कि सर आपने देखा मेरी इन्वेंट्री 100 की, मुझे 100 की पड़ी, लेकिन आज अगर मार्केट में मैं इस इन्वेंट्री को सेल आउट करता हूँ तो कितने की इन्वेंट्री जो है वो सेल आउट हो जाएगी। ठीक है, उसने कहा सर 100 की बिक जाएगी लेकिन 10 का कमीशन, 10 का रिपेयर, 10 का ट्रांसपोर्टेशन, टोटल $30 खर्च करने पड़ेंगे, $70 बचेंगे जो नेट आपको मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो मार्केट में आपको इन्वेंट्री बेच के नेट आपकी जेब में कितने आ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड NRV, और जितने का आपने खरीदा वो उसकी कॉस्ट पे। तो सर 100 की चीज थी, कितने नेट NRV आ गई उसकी? 70 की। तो सर याद रखें कॉस्ट का मतलब जितने पे आपने खरीदा, NRV का मतलब जितने पे अगर आप बेचना चाहो तो नेट आपकी जेब में कितने पैसे आएंगे, दैट इज कॉल्ड NRV। NRV इज द सेलिंग प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट ऑल फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीशन एंड ऑल मार्केटिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल इज दैट कि जितने का बिक जाएगा सेलिंग प्राइस जो भी है, यहाँ पे 100 रखी है हमने, और जितने भी उसको आपको कोई डिस्काउंट ऑफर करना पड़ेगा वो माइनस करना पड़ेगा, कोई कॉस्ट टू सेल है जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल, जो तीन चीजें लिखी ना मैंने, कमीशन, रिपेयर और ट्रांसपोर्टेशन, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ, यानी कि इन्वेंट्री को सेल आउट करने के एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये करने के बाद जो आपको बचेगा दैट इज कॉल्ड NRV। हम जब स्टैंडर्ड से पूछते हैं कि स्टैंडर्ड व्हाट, एट व्हाट वैल्यू वी विल चार्ज आर इन्वेंट्री इन आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो स्टैंडर्ड हमारी हेल्प करता है, स्टैंडर्ड हमसे कहता है इन्वेंट्री शुड बी चार्ज एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। आपसे कह रहा है कि जो उसकी कॉस्ट हो और जो उसकी NRV, हम दोनों को कंपेयर करो। कॉस्ट कितनी थी सर मेरी इन्वेंट्री की? $100। NRV कितनी आ रही थी सर मेरी इन्वेंट्री की? $70। और मुझसे क्या कह रहा है, उसके लोअर ऑफ पे चार्ज करो, यानी कि जो उसमें से कम हो उस पे चार्ज करो। तो सर मुझे यहाँ पे कम क्या नजर आ रहा है? NRV नजर आ रही है, जो कि $70, यानी कि सिंपल मुझे नजर आ रहा है कि मेरी 100 वाली चीज किस पे आ चुकी है? $70 पे आ चुकी है। मेरी 100 वाली चीज किस पे आ चुकी है? $70 पे आ चुकी है। ठीक है, ओके।
वीडियो मैंने थोड़ी सी बंद की है क्योंकि नेट थोड़ा सा इशू कर रहा है। ओके, अब उसके बाद आपने जो है वो जैसी देखा कि आपकी कॉज जो है, मैं दोबारा ट्राई करता हूं। ओके, आई थिंक इट्स फाइन नाउ। ओके, अब जो है मैंने देखा कि मेरी एसिड की कॉस्ट जो है वो है $100 और एनआरवी उसकी $70 है, तो मुझे नजर आ रहा है मेरी 100 वाली चीज 70 पे आ चुकी है, तो मुझे 30 का लॉस हो रहा है। यहाँ पर $30 का लॉस हो रहा है क्योंकि मेरी 100 वाली चीज 70 पे आ चुकी है। तो आपको स्टैंडर्ड ने बता दिया आपको किस वैल्यू पे एंडिंग इन्वेंट्री को लेकर जाना है, लोअर ऑफ पे कॉस्ट और इसकी एनआरवी। एनआरवी आपको क्वेश्चन में गिवन भी हो सकती है, और अगर ना गिवन हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे भी हमने आपको फॉर्मूला बताया, एक्सपेक्टेड सेल प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल। ओके सर, अब इस इन्वेंट्री के लॉस को क्या मुझे अलग से रिकॉर्ड करने की जरूरत है? सर आंसर इज नो, अलग से रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में। क्यों? क्योंकि देखिए जैसी आप अपनी एंडिंग इन्वेंट्री को 100 के बजाय 70 पर रिकॉर्ड करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी जो ग्रॉस प्रॉफिट, आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो बढ़ जाएगा। 100 के बजाय 70 को अगर आप एंडिंग इन्वेंटरी रखते हैं तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। सर ऑटोमेटिक जैसे ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीज होगा तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो लॉस को अलग से रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं, आप एंडिंग इन्वेंटरी को जैसी 100 के बजाय 70 पर रिकॉर्ड करेंगे आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ जाएगी, ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, तो लॉस को अलग से रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि रिकॉर्ड करना चाहिए, उसकी डबल एंट्री बड़ी इजी है, चूंकि सर एंडिंग इन्वेंटरी की वैल्यू जैसी कम होगी तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बढ़ जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड विल बी डेबिट एंड इन्वेंटरी विल बी क्रेडिट, बिकॉज इन्वेंट्री एक एसेट है, कम हो रहा है तो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ओके, ये एनआरवी का फॉर्मूला मैं यहाँ पे शो भी कर दिया आपके सामने जो आपके पास आ चुके हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं और उसे समझते हैं इस एनआरवी और कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को। कैलकुलेट द करेक्ट टोटल वैल्यूएशन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ इन्वेंटरी। हमारे पास चार डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट ए जो है उसकी कॉस्ट $2000 है, लेकिन इट्स आइटम टू बी सोल्ड फॉर 3500, नो अदर कॉस्ट इन पेटेड। सर याद रखें अब मेरे यहाँ और बिक कितने का जाएगा मार्केट में, 3500 का, तो यहाँ पर सर कॉस्ट क्या है आपकी, लोअर है, तो सर मैं 2000 पे चार्ज करूंगा अपनी इन्वेंट्री। ठीक है, सेकंड बी कितने का कॉस्ट उसका 500, ठीक है 500 एसेट की कॉस्ट है, लेकिन आइटम टू बी सोल्ड एट 600, सेलिंग कॉस्ट विल बी 50 एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट नीड टू बी गिवन। अब क्या हो रहा है, कह रहा है बिक तो जाएगा 600 का, लेकिन आपको सेलिंग कॉस्ट लगानी पड़ेगी $50 की, ठीक है, एंड 10% डिस्काउंट नीडेड टू बी गिवन टू दी सेल प्राइस। सर इसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा, 10% का डिस्काउंट भी देना पड़ेगा। तो सर 600 का 10% होता है $60, एक तो ये देना पड़ेगा, दूसरा $50 देने पड़ेंगे, तो नेट एनआरवी कितने की आ जाएगी आपकी, 5490, राइट 490 की आपकी एनआरवी आ जाएगी। तो सर अब आपको अपने एसेट को चार्ज करना पड़ेगा किस पे, लोअर ऑफ पे, और लोअर ऑफ यहाँ पर क्या आ गया, एनआरवी आ गया। ठीक है सर, डिस्काउंट था 10%, 60 का $50 जो है वो आपको सेलिंग कॉस्ट लगेगी, और यूं आपका 110 का खर्चा हो जाएगा, 600 में से 110 आपने माइनस किए तो आंसर आया 490। तो 490 आपकी एनआरवी हो गई, और आप एसेट बेच कितने कर रहे हैं, $500 का। तो सर आपको जो है यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपके एसेट की कॉस्ट 500 है और उसकी एनआरवी कितनी हो चुकी है, 490, तो लोअर ऑफ पे रिकॉर्ड होगी और लोअर ऑफ 490 है, तो यहाँ पर आप 490 पे अपनी इस इन्वेंट्री को चार्ज करेंगे अपनी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में। आइटम सी के बारे में कह रहा है कि 1500 जो है वो आपकी कॉस्ट है, लेकिन ये बिक जाएगा कितने का, 2500 का आफ्टर एक्सपेंस ऑफ 800। तो अगर 2500 में से 800 निकाल भी देते हैं तो तब भी कितना बचता है, जी हाँ 1800 बचता है। तो सर आपका अभी भी एनआरवी ज्यादा है, कॉस्ट कम है, तो यहाँ पे आप 1500 पे ही चार्ज करेंगे अपनी इन्वेंट्री को। एक और आइटम आ गया डी, सर 1000 उसकी कॉस्ट है, लेकिन आइटम जो है वो सेल आउट हो जाएगा कितने का, 1500 का आफ्टर सेलिंग एक्सपेंस ऑफ 600। तो
1500 माइनस 600 तो 900 आ जाएगा, तो सर 900 जो है वो मेरा एनआरवी आ रहा है, तो यही लोअर है मेरे ख्याल से सर, 900 पे मेरी इन्वेंट्री चार्ज हो जाएगी, 1000 पे चार्ज नहीं होगी। ओके एक और एग्जांपल आपके सामने आ रही है, एक और क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। चार्ल्स स्मार्ट रन आउट अ स्वीट शॉप, हिज एनुअल इन्वेंट्री काउंट इन दिसंबर रिवेल अ फ्यू सीजनल आइटम ऑफ इन्वेंट्री व्हिच वुड हैव टू बी रिड्यूस इन प्राइसेस इन द न्यू ईयर। दीज वर एज फॉलोज, डिफरेंट तरह की आपकी प्रोडक्ट्स हैं ठीक है, जिसकी कॉस्ट जो है वो आपको लगता है कि इसकी प्राइसेस जो है वो शायद चेंज हो चुकी है ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको सर। सबसे पहले ये आपकी प्राइस आ गई ठीक है, और ये आपके नंबर ऑफ बॉक्सेस आ जाएंगे। ओके इस क्वेश्चन के थोड़ी सी जो है ना वो क्वेश्चन की अलाइनमेंट चेंज है, तो हम थोड़ा सा इसको वेट करके हम पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देन हम जो है वो इस सवाल पे वापस आएंगे। ओके सर इन्वेंट्री के दो बड़े इंपॉर्टेंट, क्योंकि टाइम बहुत कम है तो मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को मजीद डिस्कस हम कर लें। इन्वेंट्री के दो बड़े इंपॉर्टेंट सिस्टम यूज कर रहे होते हैं, परपेचुअल और पीरियोडिक। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के मेजर डिफरेंस आपको क्या है सर, कि मेजर डिफरेंस ये है कि हम जैसे परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर हम इन्वेंट्री को भी बिल्कुल सेल जैसी करेंगे वैसे इन्वेंट्री भी फौरन एडजस्ट करेंगे, और पीरियोडिक में क्या होता है कि सर हम सिर्फ सेल्स को चार्ज कर रहे होते हैं, पीरियड के एंड पर आकर हम पूरी इन्वेंट्री को एडजस्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने सेल्स की 100 टाइम्स ठीक है, तो आप सेल की एंट्री क्या बनाते हैं ठीक है, आप सेल की एंट्री क्या बनाते हैं, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट ठीक है। इसी तरीके से आप ये भी तो देखें कि यार आप इन्वेंट्री सेल कर रहे हो तो इन्वेंट्री को भी तो मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, क्या ख्याल है? तो सर अगर आप हर सेल की एंट्री के साथ अपनी इन्वेंट्री की एंट्री भी पास करके एडजस्ट कर रहे हैं इन्वेंट्री को, तो आप परपेचुअल सिस्टम में खड़े। और अगर आपने कहा कि नहीं सर सिर्फ सेल को हम रिकॉर्ड करते रहेंगे और इन्वेंट्री को एट लास्ट जाकर हम पीरियड के एंड पे एक ही मरतबा टोटल करके हम उसको एडजस्ट कर देंगे, तो आप पीरियोडिक सिस्टम में खड़े ठीक है। आपको याद होगा आपने कॉस्ट कार्ड बनाए होंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और वेटेड एवरेज के हिसाब से ठीक है। फिर वेटेड एवरेज दो तरह के आपने देखे होंगे, एक कंटिन्यूअस वेटेड एवरेज है ठीक है, एक सिंपल वेटेड एवरेज है। तो सर ये दोनों कॉस्ट कार्ड हम हमेशा किसके लिए बना रहे होते हैं सर, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर हम बना रहे होते हैं ठीक है। ये दोनों के कॉस्ट कार्ड जो है वो हम हमेशा किस में बना रहे होते हैं, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर बना रहे होते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और वेटेड एवरेज ठीक है, ये हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर बना रहे होते हैं। ओके स्टूडेंट्स तो सर दो सिस्टम है इसके। अब देखें आपके सामने कॉस्ट कार्ड हम शो कर रहे हैं, एबीसी कॉर्पोरेशन इन्वेंट्री कॉस्ट कार्ड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से बना हुआ है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट क्या था कि सर जो इन्वेंट्री पहले आएगी वो पहले सेल आउट होगी ठीक है, जो इन्वेंट्री पहले आएगी वो पहले सेल आउट होगी और जो इन्वेंट्री बाद में आएगी वो बाद में सेल आउट होगी ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। वेटेड एवरेज ये कहता है नहीं हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे नहीं चलेंगे, हम क्या करेंगे हर इन्वेंट्री की जितनी भी इन्वेंट्री हमारे पास मौजूद है उसके हम एक एवरेज कॉस्ट निकालेंगे, उस पर हम इशू करेंगे इन्वेंट्री ठीक है। आइए जरा देखते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को। पहले 1 जनवरी पे हमने हमारा जो है वो ईयर स्टार्ट हुआ और 1 जनवरी पे मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास 100 यूनिट्स रखे हुए हैं जिसकी एक यूनिट की कॉस्ट $20 है और टोटल अमाउंट की कितनी हो गई $2000 ठीक है। अब 10 मार्च को मैंने इन्वेंट्री परचेज की, कितने यूनिट्स मैंने परचेज की सर 200, इसकी कॉस्ट कितनी है $25 मल्टीप्लाई किया तो 5000 आ गया सर। जैसे ही मैं एक्वायर करूंगा इन्वेंट्री परचेज करूंगा तो मेरे बैलेंस क्या हो जाएगा इंक्रीज, तो सर मैं ले जाकर इस परचेज को सीधा इंक्रीज में ले जाके क्या कर दूंगा ऐड कर दूंगा। पहले मेरे पास 100 यूनिट्स थे, अब मेरे पास 200 यूनिट्स फर्दर और आ चुके हैं। अब परचेज किए मैंने 100 यूनिट्स मजीद 25 के हिसाब से 2500 जिसका अमाउंट बना, और जैसे ही मैंने परचेज किया तो मेरा बैलेंस इंक्रीज हो गया और इसको ले जाके मैंने क्या कर दिया अपने इन्वेंट्री कॉस्ट कार्ड में ले जाके ऐड कर दिया बैलेंस के कॉलम में। सर 20 अगस्त को मैंने इन्वेंट्री बेच दी 100 यूनिट्स ठीक है, सॉरी
200 यूनिट्स में बेच रहा हूँ, देखें 20 अगस्त को दो सेल्स हो रही हैं, $100 ये और 100 ये, तो सर पहले मैं इसको बेचूंगा और फिर मैं इस 200 वाले में से सेकंड 100 इसमें से बेचूंगा, ठीक है। तो देखें पहले 20 वाले यूनिट मैंने सेल आउट किए, फिर इस 200 में से जो है 100 यूनिट मैंने मजीद सेल आउट किए, जिसके एक यूनिट की कॉस्ट कितनी थी 25, मल्टीप्लाई किया तो 2500 आ गया। अब देखें बैलेंस में कितनी इन्वेंट्री बची है मेरे पास, हम ये देखते हैं, 100 यूनिट इसके बचे और 100 यूनिट ये बचे, ठीक है। 100 यूनिट इस 200 वाले में से बचे और 100 नीचे वाले बचे, सर इन दोनों का टोटल 2500 2500 आपके सामने आ चुका है। फिर आपने 100 यूनिट और खरीदे 25 के हिसाब से, वो आपने ले जाके बैलेंस में ऐड किए, फिर आपने इसको, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मेजर कॉन्सेप्ट क्या है कि सर जो इन्वेंट्री पहले रखी है उसको हम पहले सेल करेंगे और जो बाद में आ रही है फिर उसको बाद में सेल करेंगे। एंड पे देखा आपने फिर परचेज किया, लास्ट में आपने देखा कि आपके पास जो है वो कितने की इन्वेंट्री पड़ी हुई है, $10,000 की एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ रही है आपकी, और जो इन्वेंट्री आपने बेच दी उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, 9,500। एक बात याद रखिएगा, कॉस्ट कार्ड में हम सेल प्राइस को इग्नोर कर रहे होते हैं, क्योंकि कॉस्ट का कार्ड है, सिर्फ कॉस्ट को हम इन्वेंट्री की यहाँ पर देख रहे होते हैं। ओके, आपके सामने एक सवाल आ रहा है, एक्स वाई जेड परचेज एंड सेल्स द फॉलोइंग आइटम इन 1 जनवरी, इन जनवरी एट 31 दिसंबर इन्वेंट्री हैविंग 150 यूनिट्स एट $4। सर जनवरी फर्स्ट को आपने परचेज कर रखे हैं कितने यूनिट्स, 100 यूनिट्स, जिसके एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, $5, ठीक है। सेकंड, 3 जनवरी को आपने 10 यूनिट्स क्या कर दिए, सेल आउट कर दिए, फिर 15 जनवरी को आपने परचेज किए 200 यूनिट्स, किसके हिसाब से, $6 के हिसाब से, फिर 30 जनवरी को आपने फिर सेल कर दिए 170 यूनिट्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूनिट सोल्ड एंड अंडर फीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड, दोनों के जो है अकॉर्डिंग में आपको इसको बताना है कि सर कितना जो है वो मेरा एंडिंग क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यू क्या है, और जो यूनिट्स मैंने बेच दिए यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इन दोनों को आपने बताना है दोनों मेथड से, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर अगर तो ये परपेचुअल मैथ परपेचुअल अजम्पशन के साथ हम सवाल को सॉल्व करें, तो सर परपेचुअल वाला तो हमसे कहता है कि आप क्या बनाएंगे, कॉस्ट कार्ड बनाएंगे, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो का आप कॉस्ट कार्ड बनाएंगे, ठीक है, ये आपके पास डेट का कॉलम, ये परचेज का, ये सेल का और ये बैलेंस का कॉलम, यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, सर ये आपका इनपुट यानी कि परचेज, ये आपका आउटपुट यानी कि सेल, और ये आपका बैलेंस का कॉलम आ गया, ठीक है। यहाँ यूनिट्स आ जाएंगे आपके, या यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, और यहाँ आ जाएगा टोटल कॉस्ट, यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, सेम यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब आप देखें तो सर सबसे पहले आपके पास जनवरी फर्स्ट पे जो है वो जो डेटा गिवन है वो आपको 100 यूनिट्स का गिवन है, ठीक है, 100 यूनिट्स का आपके पास डेटा गिवन है, जिसकी एक यूनिट की प्राइस है $5, ठीक है। ये आपका डेट का कॉलम आ गया, जनवरी फर्स्ट सीधा ले जाकर, चूंकि बैलेंस पड़ा हुआ है तो आपने इसको बैलेंस पे ले जाके सीधा ऐड कर लिया, 100 × 5 तो क्या आ गया आपका 500, ओके। देन अब आपने क्या किया, जनवरी फर्स्ट को आपने परचेज किया 100 यूनिट्स, सॉरी हमारा बैलेंस 150 यूनिट्स का था जो कि $4 का था, परचेज किया हमने, तो उसको जरा ठीक कर लेते हैं यहाँ पे, ओके। तो ये बेसिकली जनवरी फर्स्ट पे जो बैलेंस है वो 150 यूनिट्स का है, वन फिफ्टी यूनिट्स
यूनिट कॉस्ट आपकी कितनी आ गई? $4। तो जैसे 150 मल्टीप्लाई 4 करेंगे आप, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा $600, राइट? ओके, देन 150 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 600। ओके, देन ये आपका बैलेंस रखा हुआ था, राइट? अब आपने जनवरी 1st को ही परचेज किया आपने 100 यूनिट्स $5 के हिसाब से, राइट? तो परचेज के कॉलम में आ जाएंगे हम, 100 यूनिट्स खरीदे $5 के हिसाब से, तो ये हो गया 500, जिसको ले जाके हमने बैलेंस में क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और ये हमारा 5 के हिसाब से 500, राइट? ये कॉस्ट कार्ड आपने कब बनाने, जब सवाल में वो लिख देगा क्या, परपेचुअल मेथड के हिसाब से। अगर वो अजम्पशन यूज कर रहा है परपेचुअल, देन आप कॉस्ट कार्ड बनाएंगे, वरना हम शेड्यूल के हिसाब से जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे। चूंकि अभी टाइम बहुत कम है तो ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्वेश्चन, इसको हम अपने नेक्स्ट सेशन को, जो नेक्स्ट कल की तारीख में इंशाल्लाह, इसमें हम इन्वेंट्री को यहाँ पर हम खत्म कर रहे होंगे, और अपने फर्दर टॉपिक्स जो हमारे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है, पार्टनरशिप है, उसके क्वेश्चंस को, कुछ स्टैंडर्ड्स को हम देख रहे होंगे, और कंपनी इंशाल्लाह अपने FA2 को जितने एंगल से हम कवर कर सकेंगे इंशाल्लाह उसको हम मजीद करेंगे। कुछ प्रैक्टिस मटेरियल है वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, मैंने आपसे इस नंबर पे आपको मैंने कहा कि आप मैसेज कर दें, आपके पास लिंक आ रहा होगा, उस ग्रुप का आप ज्वाइन कर लें व्हाट्सएप पे, वहां पे हम आपसे शेयर कर रहे होंगे। और इसके अलावा बैड डेट का टॉपिक आपने E-Academy का जो यूट्यूब पे हमारा चैनल है E-Academy, तबानीज E-Academy, और वहां जाके बैड डेट को पढ़ सकते हैं FA2 बाय अहमद रजा खान, ओके, वो वहां पे आपको नजर आ जाएगा। अच्छा सर, इस सवाल को कंप्लीट कर लेते हैं। सर आपने 3 जनवरी को 10 यूनिट्स भेज दिए, अच्छा 10 यूनिट्स आपने 3 जनवरी को भेज दिए, तो जनवरी 3। अब यहां पर आपने 10 यूनिट्स भेज दिए, तो सर 10 यूनिट्स सबसे पहले मैं किस में से बेचूंगा, 150 में से बेचूंगा, ठीक है? और अब चूंकि यहां पे मैं इसको थोड़ा सा सवाल में करेक्शन करता चलूं, ये 10 यूनिट्स नहीं, ये 100 यूनिट्स आप इसको कंसीडर कीजिएगा, ठीक है? 100 यूनिट्स आप इसको कंसीडर कीजिएगा। तो 100 यूनिट्स अगर हम इसको बेचते हैं, ठीक है सर, तो 100 यूनिट्स अगर हम यहां पर सेल आउट करते हैं, और सबसे पहले मैं इस 150 में से सेल आउट करूंगा, ठीक है? तो 100 यूनिट्स ओके, जो 100 यूनिट्स हम सेल आउट कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, $4, तो ये कितना देंगे, 400। तो इस इश्यूएंस के बाद मेरे पास कितना इन्वेंट्री बचा, इस 150 में से 100 चले गए, तो $50 ये बचे, इसकी वैल्यू 200 हो जाएगी, और 100 ये बचे। तो हमेशा हर सेल के बाद आप बैलेंस को अपने पास रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद जनवरी 3rd के बाद हमारे पास 15 जनवरी को हम 200 यूनिट्स और खरीद रहे हैं $6 के हिसाब से, ठीक है? तो 200 यूनिट्स हमने और खरीदे $6 के हिसाब से, तो 2 तो ये 1200 हो जाएगा, ओके? तो सर ये आपके बैलेंस में जाके ऐड हो जाएंगे 200, ओके। अब आप 170 यूनिट्स को सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है? तो 170 यूनिट जो आप सेल आउट करेंगे सर, वो आप कहां से करेंगे, सबसे पहले 50 यूनिट्स ये बेचेंगे, 100 यूनिट्स ये बेचेंगे, तो 150 हो जाएंगे, और बकिया 20 यूनिट्स जो बचेंगे सर, वो आप इस 200 में से सेल आउट करेंगे, ठीक है? तो आपकी जो एंडिंग इन्वेंट्री आफ्टर दिस इश्यूएंस बनेगी, ये 50 चले गए आपसे, ये 100 चले गए आपसे, ठीक है? तो 150 हो गए, 20 यूनिट्स इसमें से जाएंगे, तो सर बचेंगे कितने, 180 यूनिट्स बचेंगे $6 वाले, ओके? तो ये इस तरीके से आपने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में कॉस्ट कार्ड बनाना होता है। ये आपको पहले भी आपने अपनी क्लासेस में सीखा होगा, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसका और जो है वो आइडिया दे दिया है।
इंशाल्लाह अपना जो नेक्स्ट कल का हमारा सेशन होगा उसको हम जो है वो इन्वेंट्री के कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट इन्वेंट्री लॉस के बड़े क्वेश्चंस हमारे पेपर में आ रहे होते हैं उसको हम डिस्कस कर रहे होंगे, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को हम देख रहे होंगे, पार्टनरशिप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख रहे होंगे और इंशाल्लाह कुछ स्टूडेंट्स को देख रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम अपने डे में इस बकिया चीजों को अपने यहाँ पर कंप्लीट कर रहे होंगे। आज तक के लिए यहीं तक रखते हैं, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।